जो वेस्टर्न लेंस है जिससे हम आज तक वेस्टर्न मूल्यों से जो हम अपने आप को हमारी आइडेंटिटी को देख रहे हैं वो लेंस निकाल दें तो फिर कौन सा लेंस लगाए हमारा कौन सा लेंस है हमारा क्या ज्ञान है हमारा क्या फ्रेमवर्क रहा है हमारा अप्रोच क्या रहा है ये कहाँ से पता चलेगा श्री कृष्ण को हम जैसा आज देख रहे हैं की नो ऑल बी ऑल पर उन्होंने कभी भी अपने पुरुष स्वरूप का उल्लंघन नहीं किया है विराट स्वरूप एन ऑल दी ये नहीं कहा कि

भागवतम में राधा नामक कोई कैरेक्टर नहीं सीरियसली सी? भागवत में एक गोपी का तो प्रसंग है कि गोपियाँ के साथ जो जो रासलीला वो सब है पर ऐसे कोई स्पेशल राधा का कैरेक्टर जिनको छोड़ के कृष्ण चले गए ऐसा सब नहीं है आपने जो बोला वो इतिहास को मद्देनजर रखते हुए मैंने केवल महाभारत और रामायण में क्या है उतना कहा है आई एम नॉट डिनाइंग एनी बड़ी

और काफी इंटेंस कॉन्वर्सेशन है लॉन्गेस्ट एनी कॉन्वर्जेशन में कुछ ऐसी जो आपके दिल को देगी, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको लाइफ के बारे में कुछ सिखा देगी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके दिल को छू जाएगी ये कॉन्वर्जेशन मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट कॉन्वर्जेशन था अबाउट आर इतिहास क्योंकि इस कॉन्वर्जेशन में हमने सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं की हमने फिलोसॉफी की भी बात की

So, इसीलिए हम इस एपिसोड के थ्रू आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लेके आए हैं अमी गनात्रा जी के तीनों ही में आप किस तरह से सकते है? ये जानने के लिए आपको ये पूरा कॉन्वर्सेशन सुनना होगा देखना होगा मैं यहाँ पे आपको टाइम स्टम नहीं बताने वाला जहां पे हमने इस गिव अवे को अनाउंस किया है बट आई अशोर यू इस कॉन्वर्सेशन के दौरान ही ये हमने अनाउंसमेंट किया था स्टार्ट टू एंड आप पूरा पॉडकास्ट देखिए

मैम पिछली बार जब हमने बात की थी तो हमने कई सारे टॉपिक्स को ब्रीफली किया था दिस टाइम आई हैव लाइक फुल रिसर्च पेपर ऑफ थिंग तो इस बार काफी सारा आपके आपने जितने भी अब तक टॉक्स दिए उनमें से भी कई सारे क्वेश्चन है जो लोगों ने भेजे थे uh, हमारे पास में ऑडियंस क्वेश्चन भी है जो हमने कल स्टोरी डाली थी उसकी सो फर्स्टली लेट स्टार्ट न्यू बुक इट्स की नई बुक क्या है

महाभारत के विषय में जो भी भ्रांतियां हैं द मिथ्स दैट अबाउंड अबाउट महाभारत जिसके कारण जो कुछ नरेटिव है जो लेसन है महाभारत के वो क्यों हो जाते हैं वो सही से लोगों तक जैसे वेदव्यास जी ने बताया है वो कथा इतिहास हमारे पूर्वजों का लोगों तक पहुँचे ये उसका उद्देश्य था right. परंतु महाभारत में कथा के साथ साथ ऐसा बहुत कुछ है जो हमें हमारे जीवन को सार्थक तौर पे जीने के लिए रूप हो, जैसे बहुत सारे संवाद है ठीक है तो लोगों के बीच संवाद है जैसे हम लोग अब पॉडकास्ट करते हैं तब लोगों के बीच कॉन्वर्सेशन हो रही है जिसमें बहुत अलग अलग टॉपिक्स पर आ, चर्चा विचारणा हो तो हो रही है आ, महाभारत का सबसे बड़ा भाग है शांति पर्व पूरा शांति पर्व भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद है जिसमें और ये होता है युद्ध के पश्चात शांति पर्व इज द बिगेस्ट पर्व ऑफ महाभारत जो 18 पर्व है उसमें से सबसे बड़ा शांति पर्व है तो उसमें जो कन्वर्सेशन हो रहा है संभाष संवाद हो रहा है उसमें ये है कि युधिष्ठिर भीष्म से उनका ज्ञान और अनुभव ले ना कौन सा ज्ञान और अनुभव देर इज अज चंक ऑफ अ पार्ट विच इज ऑन राजधर्म अब राजदर सुनने में बहुत ही लगता है बट अगर आप पढ़ो तो इट इज अबाउट गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज दरअस हम पॉलिसी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो वो देते हैं कि कैसे एक राजा को या आज के परिप्रेक्ष में देखे तो एक मंत्री को या लीडर को कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलानी चाहिए हुँ. तो ये केवल एक राजा और राज्य के लिए नहीं है परंतु हम सबके लिए क्योंकि एट एवरी पॉइंट हमको निर्णय तो लेने पड़ते हैं है, डिसीजन लेने पड़ते हैं तो डिसीजन किस प्रकार से किस आ, किस विचार से हुँ. और किस तरह लिया जाए उस पर उनका फोकस है बहुत कुछ उसमें है बट माई फोकस वॉज ऑफ इट इसके अलावा एक बहुत ही गहन और बहुत ही प्रोफाउंड डिस्कोर्स है विदुर और धृतराष्ट्र के बीच वी कॉल एज विदुर नीति दिस इज एन एक्सपोजिशन ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बींग्स वो उसमें है फिर व्याद गीता नामक एक दूसरा कॉन्वर्सेशन है जिसमें मारकंडे ऋषि युधिष्ठिर को एक हंटर या मीट सेलर की कथा बताते हैं और वो मीट सेलर ब्राह्मण एक है उसको धर्म का ज्ञान दे रहे हैं तो ऐसे बहुत अलग अलग प्रसंग है जो अगर आप केवल कथा पढ़ो तो उसमें अगर ना भी ये संभाषण पता हो तो चल जाएगा ये संभाषण इतने ज्यादा डीप और प्रोफाउंड और ज्ञान पूर्ण है कि मुझे लगा हमारे लिए ये समझना अत्यंत आवश्यक है स्पेशली आज जब हम डी की बात करते हैं है ना साई दीपक बात करते हैं और आजकल हम सभी इसके मोदी जी बात करते हैं डी कोलोनियालिटी की हम जो वेस्टर्न लेंस है जिससे हम आज तक वेस्टर्न मूल्यों से जो हम अपने आप को हमारी आइडेंटिटी को देख रहे हैं वो निकाल दें पर वो लेंस निकाल दें तो फिर कौन सा लेंस लगाए हमारा कौन सा लेंस है? है हमारा क्या ज्ञान है हमारा क्या फ्रेमवर्क्स रहा है हमारा अप्रोच क्या रहा है ये कहाँ से पता चलेगा तो इस ये जो अप्रोच है ये जो ज्ञान है वो ही इन संभाषणों से मिलता है तो मुझे जब मैं मैं अध्ययन भी कर रही थी तो मुझे लगा था कि ये तो लाना तो है हुँ. पर मुझे थोड़ा सा मन में डर भी था कि कहीं लोग सही से पढ़ पाएंगे ना पढ़ पाए समझ आएगी नहीं बट आपने जो अभी कहा कि इट इज अ कॉन्वर्जेशन तो वो yeah. बहुत ज्यादा ईजी बना देता है पूरे रीडिंग को इनफैक्ट आई वॉज वेरी आई शुड से फैसिनेटेड एक जो उसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो कि नारद जी वाला सेगमेंट है आई वॉज थिंकिंग की अच्छा क्वेश्चन पूछा अब आंसर

Uh, वो भी गवर्नेंस पर है जिसमें नारद मुनि आपने देखा कि पूछ रहे हैं कि तुम्हारे राष्ट्र का तुम सही से शासन कर रहे हो कि नहीं आर यू अप्रोचेबल टू पीपल आप अपने ट्रेजरी का ध्यान रख रहे हो कि नहीं क्या आपकी जो कमाई है uh, क्या आपकी जो एक्सपेंसिस uh, uh, है वो आपके इनकम से कम है कि नहीं और कितने कम है ऑल दैट इज आस्किंग राइट एंड ईज कि uh, आपके जो अकाउंटेंट्स हैं क्या रोज आप उनसे मिलते hmm. हो नहीं मिलते हो वो सारी बात उसमें आती है ये जो इस तरीके का जो संवाद है ना क्वेश्चन फॉर्म में यही रामायण में है राइट right, आपने बुक में मेंशन किया है रामायण का अयोध्या कांड का जो हंड्रेड सर्ग है उसका उसको कश्चित सर्ग भी कहा जाता है कश्चित कश्चित मतलब हाउ इट्स अ क्वेश्चन कह हु ठीक right. है तो उसको कहते ही कश्चित सर्ग है क्योंकि उसमें भी यही है hmm. कि क्या तुम कर रहे हो क्या जिसमें श्री राम भरत से पूछते हैं और काफी सारे जो लेसन है उसमें वो बहुत सिमिलर सिमिलर है hmm. जो नारद मुनि वाले संवाद में है और रामायण में भी है तो यू सी द कंटिन्यूटी ऑफ द थॉट ऑफ राजधर्म एज वेल इन दैट राइट Uh, मैम मैं मतलब हमने डिसाइड किया था कि हम विदुर नीति के बारे में बात करेंगे इसमें बिकॉज ये एक ऐसी नीति है जो काफी इंटरेस्टिंग है uh, जयशंकर जी भी जब भी वो अपनी हाँ. कोई भी स्पीच देते हैं कोई भी बुक भी लिखते हैं उसमें भी उन्होंने मैंशन किया कि आप uh, अपने शास्त्रों को पढ़ो महाभारत रामायण इन्हें पढ़िए एंड देन यू वट एवर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जिसमें भी आप है उसमें यूज करिए एंड आई फील कि उन्होंने ट्रूली कई सारी चीजें यूज की है जो आपने पॉइंट्स मैंशन किए थे उसमें से भी बट बिफोर इवन दैट हम उसके बारे में बात करें देर लॉड ऑफ पॉइंट्स जहां पे भीष्म

वो ना एक कथा सुनाते हैं युधिष्ठिर को जब जब युधिष्ठिर पूछते हैं कि राजा की उत्पत्ति कैसे हुई क्योंकि राजा जो है वो दिखता तो हम जैसा है सेम दो हाथ दो पैर एक मुंह दो कान जैसे सब राइट. है फिर भी राजा का जो भाव है जो स्टेटस है वो बहुत ऊंचा है सब लोग राजा को मानते हैं और जब राजा होते थे तो उनको तो भगवान भगवान का रिप्रेजेंटेटिव ऐसे माना जाता था तो ऐसा क्यों तो तब भीष्म एक कथा सुनाते हैं उनको और वो कहते हैं कि शुरुआत में जब सतयुग था तब राजा था ही नहीं तब ऐसा कोई राजा की कल्पना भी नहीं थी क्योंकि सब लोग जो थे वो बहुत प्यार से रहते थे अपने अपने कार्य में मशगूल रहते थे जैसा कार्य करना चाहिए वैसा करते थे अपने कर्तव्य निभाते थे किसी में भी काम क्रोध लोभ मोहम्मद मातसर ऐसा कुछ नहीं था प्रेम से सब रहते थे फिर जैसे आप समाज बढ़ता है समय बढ़ता है तो लोगों में काम क्रोध लोभ मोह आने लगा एक दूसरे के साथ लड़ाई होने लगी लोभ के कारण किसी को यह था कि उसके पास है मेरे पास आ जाए मात्सर्य बढ़ने लगा हिंसा होने लगी वगैरह वगैरह तो अन्याय भी समाज में होने लगा क्योंकि जो शक्तिशाली है वो शक्तिहीन पर तो अपना दबाव ठोकेगा ही राइट प्रभाव होगा ही उसका तो सब तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो मात्स्य न्याय की परिस्थिति आ जाएगी एनआर की अराजकता आ जाएगी तो लोग एकत्रित हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं चल सकता अगर हमें हमारे समाज को बनाए रखना है तो हमको ऐसा कोई चाहिए जिस पर हम सब विश्वास करें और वो न्याय हमारे बीच बनाए रखे धर्म बनाए रखे और हम सबका शासन कर सके तो वो लोग जाते हैं ब्रह्मा जी के पास तो सबसे पहले ब्रह्मा जी पॉलिसी बनाते हैं ठीक है कि ठीक है मनुष्य तो आ जाए पर किस प्रकार समाज में लोग शांतिपूर्ण धर्म संयुक्त जीवन जी सके वो कैसा हो तो वो एक ग्रंथ लिखते हैं बड़ा सा जिसको त्रिवर्ग right. कहा गया पर वो इतना बड़ा है कि मनुष्य की जो का जो आयुष्य है वो ही खत्म हो जाए <laughs> वो समझते समझते वो इतना बड़ा है hmm. इसलिए विशाल आक्षेप शिव जी वो त्रिवर्ग को लेते हैं और उसको थोड़ा कंसाईज. सा कंसाइज करते हैं पर वो भी बड़ा है तो फिर इंद्रजन को बहुदन तक कहा गया है वो लेते हैं वो और छोटा करता है करते हैं फिर बृहस्पति जी जो देवों के गुरु हैं वो उसे और कंसाइज करते हैं फिर शुक्राचार्य जी वो उसे और कंसाइज करते हैं तो उनके शुक्र नीति कहा जाता है फिर आगे जाके ये मनु को मिलता है ठीक है तो मनुस्मृति इज बेस्ड ऑन दैट बट इस मनुस्मृति द्रंथ नो तो ये जो बात है ना ये तो यहाँ तक उन्होंने कथा बताई कि इस प्रकार ये ग्रंथ जो नीति शास्त्र का ग्रंथ है वो आता 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 गया फिर जैसे देश काल परिस्थिति अनुसार उसमें फिर जो भी है लोग अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन करते गए अब इस बात को मैं अर्थशास्त्र से जोड़ना चाहूंगी अर्थशास्त्र जब चाणक्य लिखते हैं तो शुरुआत में वो ये कहते हैं राधर वो ये नहीं कह रहे कि मैं कोई नया ग्रंथ बना रहा हूँ ठीक है या ये सारा जो अर्थशास्त्र आप पढ़ रहे हो वो वो मेरा है, वो ये नहीं कहते वो कहते हैं कि मेरे पहले जितने भी ऋषि आए जिन्होंने इस नीति शास्त्र पर काम किया उन सब का जो ज्ञान है वो इसमें मैं ला रहा हूं okay. और उसके पश्चात वो हर एक टॉपिक पे अपनी अपना पॉइंट रखते जाते हैं तो अगर फिर आप जब अर्थशास्त्र आगे पढ़ते हो तो सपोज इनहेरिटेंस की बात है या पढ़ाई की बात है हुँ. तो वो कहेंगे इस बारे में मनु जी का ये कहना है पराशर ऋषि के जो फॉलोअर्स हैं उनका वाय कहना है विशाल अक्षर ऋषि के जो भी फॉलोअर्स हैं उनका कुछ और कहना है कौटिल्य ये नहीं मानते कौटिल्य का कुछ और कहना है हुँ. या कहीं पे कहेंगे कौटिल्य भी ये मानते हैं ठीक है तो इस प्रकार से वो बढ़ते जा रहा है अब आप गो बैक टू भीष्म पितामा वो भी यही बात कह रहे हैं कि वो जब कह रहे कि मैंने स्क्रिप्चर्स पढ़े तो उन, उनके समय तक जो भी स्मृति जैसे मनु, मनु जी के बारे में तो वो बोलते हैं ठीक है कि आ, जैसे पुस्तक में भी आप देखोगे उन्हों, उन्होंने उन्होंने मनुस्मृति से कुछ श्लोक कोट किए उन्होंने शुक्राचार्य के श्लोक कोट किए उन्होंने बृहस्पति के श्लोक कोट कोट किए हुए है ना तो इस प्रकार के जो नीति शास्त्र उस समय होंगे उनका उन्होंने अध्ययन किया है बृहस्पति जो उन्होंने ऑलरेडी कहा है ना तो बृहस्पति शुक्राचार्य और मनु जी का right. तो इस प्रकार के शास्त्रों की बात कर रहे हैं जो एक तरीके से देखा जाए तो दे आर कनेक्टेड ऐसा नहीं है कि somebody इज राइटिंग समथिंग टोटली new however देश काल परिस्थिति अनुसार उसमें जो भी उस समय उनको सही लगा वो बदलाव भी होते जाते हैं राइट right. तो बेसिकली उनका जितना ये नॉलेज था प्लस एक्सपीरियंस था वो युधिष्ठिर को दे रहे युद्धिंग uh, uh, श्री कृष्ण ने कहा को उन्होंने क्यों नहीं किया उन्होंने क्यों कहा कि आप भीष्म पिता के पास जाइए एक्सलेंट क्वेश्चन अर्जुन के साथ जब वो संवाद कर रहे हैं तब अर्जुन के सामने धर्म संकट ये है कि वो अपना क्षत्रिय धर्म निभाए या वो कुटुंब धर्म निभाए है ना उसको ऐसा ही कि अरे ये तो मेरे परिवार वाले हैं उनको कैसे करो तो उसको एक स्पेसिफिक ज्ञान की आवश्यकता थी जिससे वो सही निर्णय धर्म संकट में ले सके युधिष्ठिर को जब वो कह रहे हैं कि आप भीष्म पिता वहां से ज्ञान लो वो कौन सा ज्ञान लेने की बात कर रहा है वो राज धर्म का ज्ञान वो समाज में आश्रम धर्म कैसा हो वर्ण धर्म कैसा हो इस सब का ज्ञान लेने को कह रहे हैं अब आप देखिए भले हम कृष्ण को आज क्रिश, श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं मैं तो मानती हूं मेरे लिए तो इष्ट है वो परंतु अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस देखेंगे तो भीष्म पितामह की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता एंड यू सी वाई भीष्म पितामा सो वेन ही वॉज अ यंग बॉय जब उनकी पढ़ाई वढ़ाई सारी हो गई थी युद्ध कला और नीति शास्त्र के वो पारंगत हो गए थे हमको कहा जाता है कि परशुराम जी से उन्होंने युद्ध सीखा युद्ध कला सीखी और बृहस्पति से स्वयं उन्होंने नीति शास्त्र भी सीखा तो वो जब अपने पिताजी के यहाँ आते हैं तब तो वो यंग हो चुके हैं और उनको युवराज बना दिया गया शांतनु के बाद वो राजा भी बन जाते परंतु सत्यवती के साथ जो शांतनु का विवाह हुआ और उसमें जो भीष्म प्रतिज्ञा भीषण प्रतिज्ञा जो ली गई वो सब हम जानते हैं तो भले ही वो राजा ना बने पर परिस्थिति ऐसी हुई कि शासन वही कर रहे थे है ना क्योंकि शांतनु गुजर गए उसके बाद जो उनके स्टेप ब्रदर्स थे वो जो तो छोटू छोटू थे तो वो बड़े होने तक तो वही राजभार संभालते थे फिर जब बड़े हो गए तो चित्रांगद की छोटी आयु में ही right. देहांत हो गया फिर विचित्र वीर का भी देहांत हो गया तो वापस वही राजभार संभाल रहे थे उसके बाद जब ये पांडु पांडु धृतराष्ट्र बड़े होने तक भी होने के हाथ में था फिर पांडु भी गुजर गए फिर इवेंचुअली जब धृतराष्ट्र के हाथ में आया और विदुर आ चुके थे तब तक तो पूरा सिंगल हैंडेड शासन उनका था हुँ. तो उनके जितना वर्षों का अनुभव भी किसी और को नहीं है श्री कृष्ण को भी नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण तो राजा भी नहीं थे right. है ना उनके जो ना, 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 ये जो उनके जो मामा है कंस उनके पिताजी उग्रसेन हुँ. जो थे वो राजा थे Correct, हाँ. है ना उसके बाद भी और अगर जो मैनेज भी करते थे ऑफ कोर्स ही हैड अ से इन एडमिनिस्ट्रेशन बट उन्हीं पे डिपेंडेंट था ऐसा नहीं था hmm. है ना राजा थे सेनापति थे उनके स्वयं के पिताजी थे right. उनके बड़े भाई भी बलराम भी थे बड़े भाई भी थे तो जो अनुभव अनुभव है हार्ड कोर ग्राउंड एक्सपीरियंस वो भीष्म बिता के कि जैसा तो किसी के पास नहीं था सो ही हैड बोथ स्क्रिप्चुरल नॉलेज एंड द प्रैक्टिकल विजडम ओके फॉर शासन स्पेशली शासन एंड समाज Hmm. इसलिए वो उनसे कहते हैं कि तुम इनसे लो ओके एंड दिस इज वाई जो वहाँ पे जब युदिष्ठेर जाते हैं तो उनके साथ में कई सारे और लोग भी जाते हैं सभी लोग गए होते हैं एग्जैक्टली सो वो, exactly. so, वो उसी कि युद्धिष्ठेर को जो भी हेल्प करने वाला है वो उनसे नॉलेज ले सके ओके okay. बट um, दे क्योंकि भगवान से ऊपर भी उस वक्त ऐसा था की नॉलेज इज द प्राइमरी चीज जो आपको लेनी है तो वो भगवान से आप लो या किसी और से इनके उस पर ज्यादा नॉलेज है पर मैं ना इस बात में एक बात कहना चाहती हूँ जयेश की आप जब महाभारत पढ़ते हो तो श्री कृष्ण को हम जैसा आज देख रहे हैं कि नो ऑल बी ऑल विच हीस वॉज पर उन्होंने कभी भी अपने पुरुष स्वरूप का उल्लंघन नहीं किया है फ्रॉम ज्ञान परस्पेक्टिव सो वेन नीडेड ही शोड हिज विराट स्वरूप एंड ऑल दैट पर देखो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं इसलिए मैं युद्ध समाप्त कर देता हूं hmm. मैं भगवान हूं मैं अन्याय होने ही नहीं दूंगा ऐसा उन्होंने नहीं कहा क्यों क्योंकि सनातन धर्म में हम कर्म सिद्धांत को मानते हैं कर्म सिद्धांत तभी ही लागू हो सकता है वेन अ पर्सन ओन्स दैट एक्शन ठीक है अगर भगवान ने कर दिया तो कर्म सिद्धांत तो फेल हो गया ना दैट इज वाई अर्जुन हैज हैज टू टू फाइट फाइट हिज हिज ओन ओन बैटल बैटल युधिष्ठिर भगवान गाइड कर सकते हैं राइट right. पर बाकी सब जो करना है वो तो आप ही को करना है साथ ही उनके पास अगर ज्ञान है और था ही नो no डाउट पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो भीष्म जी के पास अधिक ज्ञान जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एट दैट पॉइंट जो कृष्ण के पास भी नहीं था कृष्ण मनुष्य के पास जो नहीं था वो तो भीष्म पितामह के पास ही था ना mm. तो ही हैड हैड टू दैट हैपन नहीं तो तो फिर क्या एवरीथिंग वुड जस्ट रिवॉल्व अराउंड व्हिच इज नॉट द केस कृष्ण की एंट्री महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर के वक्त होती है mm. तब तक वो है भी नहीं राइट एंड ही कम्स इन व्हेन देयर इज अ नेसेसिटी बट अदरवाइज लाइफ हैज टू गो ऑन भगवान विल बी देयर भगवान इज ऑलवेज देयर

फिलोसफी नहीं सिखाने लगते है ना शुरुआत में तो वो हंसते हैं जब अर्जुन कह रहा है कि नोट से गोविंद और वो कह रहा है कि मेरे हाथ से ये बाण गिर रहा है मैं ये हूँ तो कृष्ण संपत्ति नहीं वो हंसते हैं है ना वो हंसते हैं <laughs> और कहते हैं अशोचान अनब प्रज्ञावादाश भाषा से कि तुम जिस पे दुख नहीं मनाना चाहिए उसपे दुख मना रहे हो और खुद को बहुत शाड़े समझ रहे हो दिस इज लिटरली ही राइट कि कि भाषा से तुम बड़े बड़े स्मार्ट इंटेलिजेंट लोगों जैसे बात कर रहे हो लिटरली ही ही दैट एंड देन मास पार्थ नपुंसक मत बनो तुम है ना जाओ लड़ो लिटरली दिस इज ही वी फिर अर्जुन फिर अर्जुन स्टिल अर्जुन की वो जो ग्लानी है जो विषाद है वो बहुत अधिक है hmm. जनरली अर्जुन को कोई ऐसे कहता तो वो कहता अरे ऐसे कैसे हुँ. मैं दिखा दूंगा कि, अरे, क्या तुम कर रहे हो है ना? फिर जब अर्जुन कहता है कि मुझे सही गलत समझ नहीं आ रहा है वो कहता है मैं एकदम धर्म सम्मूढ़ चेता हो गया हूँ कि मुझे मूढ़ हो गया हूं मैं क्या सही है क्या गलत है इस बारे में इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ प्रपन्न मैं आपका शिष्य बन के आपके पास आ रहा हूँ hmm. बताइए तब जाके एक्चुअल गीता का जो ज्ञान है वो शुरू होता है सो दैट ह्यूमिलिटी ओनली वेन यू सीक भगवान विल गिव इफ यू डोंट सी तो फिर क्या ना आप अपना फोड़ो तो तो की आवश्यकता है, right. जो होनी चाहिए, तो okay. तब भगवान आते हैं, और वो तभी भी वो कर्म सिद्धांत का उल्लंघन hmm. जैसा चाहते हो वो तुम करो मैंने तुमको बता दिया है ना गुहयात गुहर जो सबसे जो नॉलेज एकदम जो गुहे नॉलेज है सीक्रेट नॉलेज है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया अब अच्छे से सोच विचार के तुम चाहो वैसा तुम करो hmm. वो ये नहीं कह रहे मैं कह रहा हूं इसलिए कर दो बिकॉज जो तुम करोगे वो भुगतना तुमको पड़ेगा तुम्हारा right. कर्म तुम भुगतो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता hmm. पर कर्म कैसे करो उस विषय में मैंने तुम्हें अप्रोच तो समझा दिया है अब right. तुम करो right. Right. तो वो वहां पर भी अपने पुरुष तत्व का उल्लंघन नहीं कर रहे बट hmm. uh, अभी तो क्योंकि हमारे पास में एक hindsight का पावर है और वो वो का हमारे पास में है, है है? है तो we know कि कि श्री uh, किसी को पता था कि वो क्या है या कौन है? देखो ये होता ना भगवान के रूप में अगर ना भी पता हो तो ये कोई स्पेशल मनुष्य है इसकी बुद्धि अति तीक्ष्ण है hmm. और थोड़ी सी सबसे अधिक है ये बात तो पांडवों को समझ आई थी right. भीष्म पितामा को समझ आई थी है ना इसीलिए जब या यज्ञ युधिष्ठिर का हो रहा हो तब भीष्म कहते हैं कि ये भले आयु में छोटा हो कृष्ण प्रथम पूजा इसकी होनी चाहिए सो पीपल देर वर सम्नाइज हाउ एवर इट इज नॉट एज if all रेकग्नाइज उन्होंने वो जो संधि करने गए थे तब अपना स्वरूप भी दिखाया तब भी जिसको नहीं मानना था उन्होंने तो नहीं माना hmm. शिशुपाल जो उनके बुआ का बेटा है वो तो क्या कह रहा है कि अरे ये तो ढोंगी है ये तो ग्वाला है ये तो यहाँ आके बन गया है पर इसने तो स्त्री वध किया है पता है वो क्यों कहता है ऐसा क्योंकि पूतना को मारा है तो वो कहता है ये तो स्त्री वध करता है है ये तो पापी है। hmm. तो पापी उनके एक्शंस को ऐसे कहने वाले भी उस समय थे <laughs> दुर्योधन जैसे भी थे जो उनके सामने श्री कृष्ण को चूज करने की बारी थी hmm. और जो सेना से खुश हो गया है ना तो डिविनिटी जब हो आपके सामने

दुर्योधन जब उन्हें पकड़ने का प्रयत्न करता है हुँ. वो विराट रूप था और जो अर्जुन को दिखाया वो विश्व रूप था विश्व तो अच्छा अलग अलग है ओके विश्व रूप ही इज एवरीथिंग राइट जिसमें उनके मुंह में वो लाश and... आ जा रही है हाँ. वो जन्म ले रहे हैं एवरीथिंग वॉज इन हिम विराट रूप वॉज भगवान अवतार विद द विष्णु रूप मच लाइक ओके तो थोड़ा सा फर्क है उसमें बट देट वो तभी उन्होंने संधि के समय भी दिखाया था हस्तिनापुर में फिर भी

ज्ञान वापी एक तो नाम से ही आप देखो ज्ञान right. वापी है ना और अगर आप उसे देखो तो पीछे तो मंदिर ही है hmm. मंदिर के जो पिलर है वो आज भी लगे हुए हैं right. आगे से वो मस्जिद है फिर भी फिर भी हमारे ओवैसी जैसे लीडर्स हैं जो कहेंगे कि <laughs> अरे दिस मीट स्कॉलरली क्राइटेरिया

एक बहुत बड़ा चंक है एक सेगमेंट है एक पार्ट है पूरा विदुर नीति विदुर नीति जब मैं पढ़ रहा था आई फील्ड की

और पूरा विदुर नीति जो शुरू भी हो रहा है उसमें वो वैसे ही हो रहा है क्योंकि होता क्या है कि धृतराष्ट्र जो है उनको नींद नहीं आ रही ये संधि जब चल रही है तब का समय है right. और संजय उपापलव्य जहाँ पर पांडव है वहां से पांडवों का मैसेज लेके जस्ट आए आए हैं तो आ, उनसे आके संजय मिलते हैं धृतराष्ट्र से और कहते हैं कि अगर ये युद्ध हुआ ना तो उसका उसके जिम्मेदार आप होंगे तो आपको कुछ ना कुछ करके बंद इसे रुकवाना होगा वरना आप ही जिम्मेदार होंगे हुँ। अब उनका जो जो है, वो तो आपको हमेशा विदुर होते थे और विदुर हमेशा ही उनको एकदम धर्मनिष्ठ सत्यनिष्ठ बात बताते थे भले युधिष्ट धृतराष्ट्र माने या ना माने धृतराष्ट्र कभी नहीं मानते थे पर फिर भी वो जो वो जाते भी विदुर के पास थे और विदुर हमेशा जो कहना चाहिए वही कहते थे तो इसलिए वो विदुर को बुलाते हैं रात को एकदम रात को और कह रहे हैं मुझे नींद नहीं आ रही तो तुम मुझसे कुछ ज्ञान की बात करो जो मेरे लिए अच्छा हो तब सबसे पहले ही विदुर कहते हैं कि अरे क्यों आपको नींद नहीं आ रही चार किस्म के लोगों को नींद नहीं आती एक तो जो बहुत काम ही फुल ऑफ लस्ट राइट उसको नींद नहीं आती दूसरा जो चोर है क्योंकि तो वो तो काम ही रात को करते हैं उनको नींद नहीं आती तीसरा ये है जिसको जिसने किसी अपने से ज्यादा शक्तिशाली हो उससे झगड़ा मोड़ लिया हो राइट right. तो वो डर के मारे क्या होगा क्या होगा उसे नींद नहीं, नहीं आती और वो चौथा जिसने किसी के साथ अन्याय किया हो जो गिल्ड में हो उसे नींद नहीं, नहीं, नहीं आती आपकी क्या तकलीफ है आपको क्यों नींद नहीं, नहीं आ रही है सो इनडायरेक्टली रीजन आपको नींद नहीं, 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 नहीं आ रही है जो पूरा कॉन्वर्सेशन है उसमें उन्हें कहता है की करेट एयर मिस्टेक करेटर मिस्टेक किसी न किसी तरह से उसे टाल वो उसे बोले तुम बोलो बोलो बट hmm. वो जो बात कहना चाह रहे हैं और उन्होंने डायरेक्टली कही है वो मानते नहीं है hmm. वही है फिर भी थैंक्स टू हिम जैसे मैंने बुक में भी लिखा है कि थैंक्स टू धृतराष्ट्र वी स्टिल हैव दिस इमेंस नॉलेज फॉर अस राइट तो विदुर नीति में फिर वो बहुत सारी बात बताते हैं बट वन ऑफ द की पार्ट्स ऑफ दैट इज कि आप आपके आसपास जो लोग हैं उनकी परख कैसे करो किन गुणों को देखो किन गुणों को समझने का प्रयत्न करो और केवल गुण नहीं उनके एक्शन को भी देखो कौन कैसा एक्शन करता है उससे उसका तत्व समझने का आप प्रयत्न करो औरों का और स्वयं का भी केवल एक्सटर्नल नहीं ना अपना भी कि मतलब वो जो तुमने फूल की बात कही कौन मूड कौन है तो आप देखो आजकल हम सभी वैसे कार्य करते हैं <laughs> हमारे में तो कुछ गुण नहीं हो फिर भी दूसरों को क्रिटिसाइज करने हमेशा तैयार हमारा काम ना हुआ हो फिर भी औरों का काम करने में उसमें दखल अंदाजी करने में चले जाते हैं है ना हमको भाव दे रहे हैं उनको इग्नोर करते हैं पर औरों को भाव देने चले जाते हैं अपनों को इग्नोर करते हैं दूसरों को भाव देने चले जाते हैं भले वहां से लाती पड़ती हो है ना तो ये मूड है तो मतलब स्वयं को भी एनालिसिस करो। विदुर नीति जो आजकल वो की बात चलती है ना hmm. कि वगैरह। right. अच्छा मैं इसमें से कहां करता हूँ कहाँ कहाँ है मैं क्या मूड हूं मैं पंडित हूँ कौन सी क्वालिटी नहीं है किस पर विश्वास करो किस पर ना करो एक अच्छा मित्र कैसा हो hmm. हम वहां है, है ना कि स्टूडेंट uh, अच्छा कैसा हो किन गुणों से आप अच्छा शिक्षा पा सकते हो किन गुणों से नहीं पा सकते धर्म क्या है तो वो जो कहते हैं ना वो एक बात कहते हैं जो बहुत बहुत है वो कहते है, जो आप स्वयं के लिए ना चाहो वो आप दूसरों के लिए ना करो hmm. यही धर्म है यही सनातन धर्म है दैट वॉट यू डोंट लाइक फॉर योर सेल्फ डोंट डू इट टू अदर्स राइट सिंपल एज दैट मीन टू अंडरस्टैंड यही तो बात है ना आपको अच्छा नहीं लगेगा आपके साथ कोई कुछ बुरा करता है आप लोगों के साथ ना करो Hmm. सिंपल एज की आवश्यकता ही नहीं है सो इफ यू विदुर नीति में समथिंग व्हिच पीपल वी नीड टू वो ऐसा भाग है जो हमें hmm. करते रहना चाहिए बट विदुर को इतना मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्यों था <laughs> लोगों का मतलब हाउ डिड ही गेट दिस अंडरस्टैंडिंग उन्हें मतलब ही प्राइम मिनिस्टर क्योंकि उनका लोगों के साथ में कनेक्ट था क्या रीज़न था कुछ कुछ तो तो भी है है ना वो वो hmm. जी के पुत्र डे एंड ऑफ द पिताजी का जो ज्ञान है पिताजी का जो समझ है वो तो आएगा आस, hmm. मतलब सब में अलग अलग आता है इनमें अधिक आया है वो अपार्ट hmm. um, उनका एक है. कि वो धर्म ही थे अच्छा मतलब धर्मराज जो हम यमराज धर्मराज की बात करते हैं ना तो इन दन ऑफ द प्रीवियस जन्म ये हुआ था कि वो धर्मराज के द्वारा एक जो ऋषि है उनको गलत पनिशमेंट दे दिया गया कि ऋषि का कोई फॉल्ट नहीं था पर वो अपने आप को अपना डिफेंस नहीं कर पाए इसीलिए धर्मराज को लगा कि इन्होंने गलत किया है ही इज अ क्रिमिनल एंड ही वो उनको पनिशमेंट करते हैं पनिश कर देते हैं दंड दे, दे देते हैं तो ऋषि उनको श्राप देते हैं कि आप एक बार आप मनुष्य लोक में जन्मोगे Right. शूद्र के इसमें तो इस प्रकार से पर वो धर्मराज है इसलिए कहीं कहीं वो संस्कार भी कदाचित है तो वो ज्ञान तो आया है एंड सबका अपना जो ज्ञान का लेवल है वो तो देवानुग्रह की बात है ना again, right. वो तो ओके okay. uh, मैम एक और जो तो चीज ये काम वाला एक जो काम uh, गीता थी अच्छा दूसरी एक बात मैं हाँ. उसमें बताती हूँ जो हम विदुर जी के बिहेवियर से hmm. समझ आता है हमें ही इज अ मैन हु इज वेरी सत्यनिष्ठ है ना एंड ही हैज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग राइट ये उनके मन में है अब वो कब आ सकता है व्हेन यू आर वेरी क्लियर हेडेड इन योर थॉट व्हेन कैन यू बी क्लियर हेडेड जब आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हो और आप अपने आप से बहुत सत्यनिष्ठ हो अपने आप hmm. से है ना और वो कब हो सकते हो जब आपका आपके मन पर आपके इंद्रियों पर अत्याधिक कंट्रोल है hmm. है ना अब ये कंट्रोल कैसा है तो प्रैक्टिस से करना पड़ता है किसी किसी में संस्कार ऐसे हैं जनजात होता है तो आई थिंक विदुर फॉल्स इनटू दैट कैटेगरी जिन्होंने प्रैक्टिस तो करते ही थे बट साथ, -साथ जनजात भी उनका right. है

ओके okay. आप देखिए आप हमारे जितने भी पौराणिक कथाएं हैं ठीक है, है? उसमें आप जो भी असुर होते हैं ठीक है जिनको इवेंचुअली भगवान जन्म लेते हैं मारने के लिए वो सभी के सभी बहुत ही ज्ञानी तो है ही शक्तिशाली भी है और उन्होंने बहुत तपस्या करी है right. अब तपस्या करना कोई साधारण के बस की बात नहीं है इट रिक्वायर्स इमेंस इमेंस सेल्फ सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन तो वो तभी हो सकता है जब आपने आपके सारे सेंसेस को कंट्रोल किया है माइंड को कंट्रोल किया है एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन है उसे आप फॉलो करते हो ठीक है तो वो करके आपने वो जो वरदान है जो सिद्धि है वो आपको मिली hmm. पर एक बार सिद्धि मिली और आपका अगर डिसिप्लिन आप अवेयर नहीं हो आप ध्यान नहीं रख रहे तो फटाक से चला जाएगा और वो सिद्धि ही आप में अहंकार को जन्म दे देगी अहंकार को जन्म दे दिया फिर वापस यू आर इन चुंगल ऑफ right. काम काम क्रोध लोभ मोहम्मद मात्सर्य और जो सही निर्णय आप अब तक ले रहे थे वो वापस गलत होने लगेंगे करेक्ट इसलिए मुझे रामायण की एक बात बहुत अच्छी लगती है जब रावण की मृत्यु होती है जब श्री राम रावण को मारते हैं तो उसकी जो तो तुरंत उसका उसके, तो, उसके देहत्याग तुरंत हो गया है ही डाइज इमीजिएटली और फिर उनकी जो पत्नियां हैं वो सब आती हैं वो विलाप कर रही हैं ऑब्वियसली उनके पति की मृत्यु हुई है सारे बच्चों की मृत्यु हुई है तब मंदोदरी एक बात कहती हैं ये वो बात वो कहती है कि जो कर्म करता है उसका फल तो मिलना ही था तो ये आपके साथ तो होना ही था पर वो एक बात जो कहती है ना वो इतनी सुंदर है जो हम सबको समझने जाती है और इससे रिलेटेड है वो कहती है जीतवा जितना त्रिभुवन त्वया। कि एक टाइम पे आपकी इंद्रियों को जीत कर आपने तीनों लोगों पर विजय हासिल कर ली थी ठीक है कैसे इंद्रियों को काबू में करके उस वैर को आपकी इंद्रियों ने याद रखा ठीक hmm. है स्मरद भी ही तद्वैरम ऐसे वो कहती हैं कि उस वैर को याद रखा क्योंकि आपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया था तो इंद्रियों ने वो आपस के साथ एनिमिटी रख ली वो शत्रुता उन्होंने बना ली और क्या किया वो आप पर जीत हो वो त्वया, त्वया निर्जिता कि वो आपको जीत गई यू बिकेम अ स्लेव टू योर सेंसेस ठीक है और क्योंकि आप अपने सेंसेस के स्लेव बन गए तो पतन तो होना ही था Hmm. तो जिनको आपने कंट्रोल किया सेल्फ डिसिप्लिन से बेसिकली काम को कंट्रोल किया फिर जब आप जीत गए और सिद्धि हासिल हो गई तो वो काम वापस से आ गया और आप पर हावी हो गया <laughs> और आपको पता ही नहीं चला hmm. तो ये तो होना ही था ना क्योंकि रावण को भी सबने कहा था कि जो कर रहे हो वो गलत है जाने दो कितने सारे लोगों ने कहा पर जब काम हावी है आपके दिमाग पर अहंकार है तो वही है आपके सामने रखी चीज है वो भी आपको दिखाई नहीं देगी राइट right.

कहा जाता है कि श्री राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था उससे ज्ञान लेने के लिए तो अगर वो इमीजिएटली मर गया तो ये ज्ञान कहाँ से फिर तो वाल्मीकि रामायण में तो ये बात है, नहीं।, ओके, ठीक है? ये नहीं है नहीं मुझे लगता है किसी सदर्न रीटेलिंग में इसकी बात आती है कि वो गए पर मेरा ये थियोरी है

आई डू अ पॉडकास्ट विथ अभिनव अग्रवाल जी hmm. तो कॉमेंट्स में ना नीचे बहुत सारे लोग आ जाते हैं एंड दे दिस डब्यूजिंग और लाइक दिस दिस ड आई वुड से आपके साथ अग्री नहीं करते एंड क्यों उनका एक पॉइंट होता है कि उस टाइम पे कौन था किसने देखा <laughs> क्या हुआ एंड मैं थक गया अब मतलब कॉमेंट कर करके कि आपने जो रियल टेक्स्ट है उन्हें नहीं पढ़ा आपने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी अपने व्यास जी की गीता नहीं पढ़ी तो हाउ कैन यू इवन से दिस लोग क्यों नहीं मानते देखो ऐसा है कि आ, इतिहास को ना संभाव हम हम बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं hmm. क्योंकि इतिहास है ऐसा आई एम नॉट एनीथिंग बैड अबाउट इट लेकिन इतिहास ये इतना इंटरेस्टिंग है कि हम उससे इतना रिलेट करते हैं उनके पात्रों में हम अपने आप को देखते हैं और क्या हुआ है कि क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से क्रिएटिविटी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहा है hmm. तो बहुत लोगों ने अपने हिसाब से इन कथाओं को कहा है Hmm. अब ऐसा होता है कि जो जो पहले सुन चुका है या देख चुका है क्योंकि पढ़ते तो हमारे में वैसे ही बहुत कम है अनफोर्चुनेटली uh -huh. वो उनको लगता है यही है बस क्योंकि उसमें उन्होंने इमोशनल इन्वेस्टमेंट वो काम की बात है ना यू गेट अटैच एंड यू आर सो अटैच टू इट दैट मीनबडी से आपको ज, आपको जो लग रहा है वो वैसा नहीं है hmm. तो वो रेजिस्टेंस आ जाता है अंदर hmm. कि ऐसे कैसे हो सकता है मैं तो कर्ण को बहुत महान मानता हूँ या रावण तो शिव भक्त है हाँ शिव भक्त है वो एक बात है परंतु क्या शिव की भक्ति इज इनफ hmm. अगर वो भक्ति आपको अच्छा मनुष्य नहीं बना रही तो फिर फायदा क्या है उस भक्ति का है ना इनफेक्ट वो तो शिव जी को यूज कर रहा है एब्सोल्यूटली दूसरा ये होता है कि हमने वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं हम अपने आप को उस पात्र में देख चुके हैं hmm. तो अगर अब कोई कह रहा है कि नहीं ये ऐसा नहीं <laughs> है तो आपको लगता है ऐसे कैसे बिकॉज यू ऑल्सो प्रोजेक्ट वी प्रोजेक्ट अवर ओन इन एंड इन एडवोकेसीज राइट ऑन दैट

इजी है कि अरे बुरा हुआ तो तो बुरा करेगा ही ना इसमें क्या Correct. फिर भी वो देखो फ्रेंड को कितना लॉयल था भरे फ्रेंड का उसने नुकसान कर दिया hmm. पर नुकसान किया तो भी क्या हुआ फ्रेंड के साथ खड़ा रहा ना मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कि किसी का अच्छा मित्र है मतलब क्या कि जो आपके साथ बैठ के दारू पी रहा है इसलिए अच्छा मित्र है <laughs> या वो अच्छा मित्र है जो कह रहा है कि भाई तू मर जाएगा लिवर खराब हो जाएगा मत पी हु इज अ बेटर फ्रेंड राइट तो हमको अच्छा क्या बुरा क्या इसका ही कंफ्यूजन है

ग्रेट जिसे हम कहते हैं कि प्रबुद्ध मनुष्य का आप ऑटोबायोग्राफी उठाओ सबने जीवन में बहुत खराब परिस्थितियां देखी है आप अंबानी को देख लो जो धीरू भाई अंबानी थे आज उनका जो भी है वो जाने दो बट इट वॉज अ वेरी टफ लाइफ ही इन राइट बहुतों के साथ ऐसा हुआ है तो जब आपके साथ बुरा हुआ है तो आपके पास ऑप्शन तो हमेशा थे ना हुँ. कि कौन सा ऑप्शन आप चूज करते हो अगर आपने ऐसा ऑप्शन यू टुक द इजी वे आउट बाई ट्राइंग टू जस्टिफाई कि मेरे साथ बुरा हुआ है तो मैं भी बुरा ही करूंगा जन्मे है तब से आप देखो उनका जन्म कहाँ हुआ जेल में hmm. जन्मते ही वो अपने माँ बाप से अलग हो गए है न अच्छा अलग हो गए ठीक है नंद जी के घर आ गए यशोदा माँ के घर आ गए वहां प्रेम बहुत मिला पर हर क्षण मृत्यु उनके आसपास मंडरा hmm. रही है है ना हम आज भले यह कहें कि अरे उनकी लीला और हम उसको उत्सव में कन्वर्ट कर दें पर उस समय जो वो बच्चू है छोटा कान्हा वो तो ये भी कह सकता है अरे ये क्या और वो गुस्सा भी उसे आ सकता है कि ये क्या मेरे पीछे मृत्यु मंडरा hmm. रही है तो मैं भी सामने वाले को दिखा दूंगा दैट इज वन ऑप्शन वेर एज टू एक्सेप्ट इट से ब्रिंग इट ऑन आई विल डील विद इट कहा आसान रहा है तो पांडवों का जीवन देखो कहा गया हस्तनापुर आए वहां कजिन से हमेशा उनको द्वेष मिला थोड़े बड़े हुए थोड़ा राजभार का उनको राज्य में रहने का अवसर मिला लाक्षाग्रह का एपिसोड हो गया है ना जहाँ उनको जला देने का प्रयत्न हुआ तब तक तो उन्होंने कुछ किया भी नहीं है किसी को वो तो प्रेम से रह रहे फिर वापस जंगल में आ गए इतने बार जंगल में थे फिर जंगल में आ गए राइट तो किसके जीवन में कठिनाई नहीं है सबके जीवन में कठिनाई है उन कठिनाइयों से उस संघर्षों में आप अपने आप को कैसे पनपने देते हो बड़ा होने देते हो और कैसे बाहर निकलते हो वही तो व्यक्तित्व का वही तो व्यक्तित्व की पहचान है, तो है वही तो हमारे मूल्यों वा, वा, की पहचान है वही तो हमारे वैल्यू सिस्टम की पहचान हमारे कैरेक्टर की पहचान तो वही है ना सब कुछ अच्छा चल रहा है है उसमें कौन अच्छा अच्छा बुरा बुरा कैसे आप आप कर सकते सकते हो हो जब संघर्ष तभी तो आप कह सकते ना क्या अच्छा, क्या बुरा? जी, तो, जी, जी, जी ओके आपके बुक पे आते आपकी जिसमें एक एक जिस लिखा था बोलते हैं कि आई फॉर्मली बिलीव अटेनिंग पावर इज मोर इम्पोर्टेंट देन धर्म पावर धर्म से बड़ा कैसे हो सकता है पावर धर्म से बड़ा नहीं है पर ये स्पेसिफिकली राजा के लिए है हम्म ये सबके लिए नहीं है ये स्पेसिफिकली राजा के लिए है अगर आपके पास पावर नहीं होता तो क्या आज राम मंदिर हो पाता बिल्कुल अगर आपके पास पावर नहीं होता तो क्या कभी थ्री सेवेंटी जाता हम्म कभी नहीं जाता है ना अगर आपके पास पावर नहीं होता तो क्या आज हम जो यूपी में थोड़ी बहुत शांति देख रहे हैं hmm. वो हो पाता right? तो अगर आपको धर्म संस्थापन भी करना हो ना तो उसके लिए आपको पावर तो चाहिए hmm. आप कैसे करोगे पावर नहीं है राजा के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो आप भले ही कितने धार्मिक हो आप क्या बदलाव ला पाओगे बदलाव तो तभी आएगा ना जब पावर है सो दिस इज वॉट ही मीन्स राइट ओके okay? uh, उसी में uh, जब भीष्म पितामा से वो बात कर रहे हैं तो थर्टी सिक्स वर्च्यूज उन्हें बताते हैं युधिष्ठिर को उसमें से बट देन uh, uh, ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता जो हुआ पूरे महाभारत का जो एक मेन जो पार्ट है जो वो वॉर है उससे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करताल कंडीशन राइट इसीलिए तो एक्चुअली युद्ध इन जनरल आप देखो ये बात भीष्म कहते हैं ये बात विदुर कहते हैं ये बात चाणक्य भी अर्थशास्त्र में कहते हैं कि युद्ध जो है ना दैट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट पहला ऑप्शन युद्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि युद्ध में कितना विनाश होगा किसका विनाश होगा क्या कौन जीतेगा कौन है हारेगा ये कभी पता ही नहीं चलता है इसलिए इन जनरल युद्ध जितना अवॉइड कर सको करो पर जब न्याय की बात आ जाती है तब फिर आप क्या करो इस परिस्थिति में भी कितना नेगोशिएशन करने का प्रयत्न हुआ इतने हद तक कि युधिष्ठिर जब कृष्ण को मैसेजर बना के भेजते हैं दूध बना के भेजते हैं तो वो कहते हैं कि पांच गांव ही दे दो है ना आपको इंद्रप्रस्थ रखना है वो भी रख लो अगर शांति बनती है तो आप पांच गांव ही दे दो पर जब वो पांच गांव भी देने को तैयार नहीं है और ये कहता है कि पांच गांव तो क्या मैं सुई की टोक जितनी जमीन नहीं दूंगा मैं तुम्हारे साथ जीना ही नहीं चाहता इधर यू और मी देन डू राइट यस दिस दिस ऑल जो इन्होंने कहा है ना ये सब हमको गाइडेंस के तौर पे देखने चाहिए एज फार एज पॉसिबल ये मत करो hmm. पर जब ऐसी परिस्थिति आ जाए जो उन्होंने इसी भीष्म ही एक आपद धर्म की बात करते हैं है hmm. ना कि जब परिस्थिति ऐसी हो जाए कि आप चाह कर भी इस प्रकार ना रह सको तो आप क्या करो right. जब आपके किन्समैन आपसे लड़ना ही चाहते हो यू और आई ऐसा कर देते हैं तब आप क्या करो जी क्या कहोगे हाँ ठीक है तुमने मुझे यहाँ गाल पे मारा तुम मुझे यहाँ मार दो वहां तक की बात होती तो भी ठीक है कि चलो आप एक झापड़ खा लो पर वो कहता है कि नहीं तुम रहोगे ही नहीं मैं तुमको मार दूंगा hmm. तो क्या तुम क्या शुड यू अलाउ दैट बट अहिंसा की फिलोसफी जो इंडिया में फॉलो की जाती है इतनी Doesn't that say the same thing, कि एक, एक चाटा मार दिया तुमने मुझे दो चाटे मार दिए ऐसा क्या होगा फिर शत्रुता बढ़ती जाएगी इवेंचुअली वन ऑफ अस विल किल राइट फिर और शत्रुता बढ़ेगी फिर तुम्हारे घर वाले फिर मेरे घर वालों को मार देंगे ऐसा समाज टिकेगा क्या ऐसे तो समाज का विनाश होना निश्चित है इसलिए अहिंसा तो होनी चाहिए कोई भी एक दूसरे को मार नहीं सकता वायलेंस शुड ओनलीफ द स्टेट ये हम कहते हैं है ना कि आपको है प्रॉब्लम है आप स्टेट को बोलो दंड देना है तो स्टेट देगा तो दैट इज वन थिंग हाउ एवर वेन इट कम्स टू स्टेट ऑल्सो हाउ शुड यू अंडरस्टैंड हिंसा और अहिंसा जो ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे लोग हैं जो समाज पर हिंसा कर रहे हैं तब आपको क्या करना चाहिए तब अगर उनको आप दंड ना दो ठीक है अगर उन उनपे हिंसा सो टू से ना करो तो समाज पर आप हिंसा कर रहे हो या अहिंसा कर रहे हो mm. क्योंकि अगर वो जो से टेररिस्ट है है ना वो तो समाज पर हिंसा कर ही रहे हैं तो अगर उनको आप दंड ना दो और उनके साथ अहिंसा की बात करो तो वो तो हिंसा करते ही रहेंगे समाज पर right. तो समाज के साथ आपका टेररिस्ट के प्रति अहिंसा mm. समाज के प्रति तो हिंसा हो गई ना तो right. हिंसा अहिंसा आप किसके से देखते हो यह भी तो समझना आवश्यक है तो कैसे होगा उसका अर्थ अगर आप किसी को दंड दे रहे हो ऐसे पात्र को जो स्वयं हिंसक है तो वो हिंसा नहीं है वो अहिंसा है hmm. और उसको दंड नहीं देना हिंसा है समाज पर राइट राइट सो दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड अहिंसा अहिंसा एंड ऑल ऑफ दैट

हु डू यू थिंक इज लकियर एंड आई एक्सप्लेन की तो दुर्योधन ठीक है वो लड़ाई हुई वो वॉर हुई ऑफ द एंड एंड वो हार जाता है उसकी डेथ हो गई उसे कुछ देखना नहीं पड़ा ही डाइड एंड ही गोज टू वेर एवर ही अदर हैंड वो धर्म के साथ खड़े थे वो सत्य के साथ खड़े थे ही फॉट द वॉर ही वन द वॉर बट देन अगेन ही हैजू लिव थ्रू द ट्रोमा कि उनके फैमिली मेंबर्स को उन्होंने मारा इतने सारे लोग खत्म हो गए एक झटके में कौन लकीयर है यहाँ पे आप ये देख रहे हो वो एक चीज है अब आप दुर्योधन का लाइफ देखो हुँ? उसके पास सारी समृद्धि थी सारी लग्जरी थी पर क्या आप कहोगे वो खुश था नहीं शायद कभी नहीं उसका मन हमेशा पांडवों के पास क्या है पांडवों को क्या मिल रहा है उनका महल ज्यादा अच्छा हो गया उनको इतना भाव मिल रहा है क्या उसे कम मिल रहा था hmm. नहीं वो वन में चले गए उसके बाद भी उसका मन तो उसी में है मैं उनको दिखा देता हूँ मेरे पास कितना ऐश्वर्य है right. जब वो गंधर्व युद्ध होता है उसके पहले राइट right? तो क्या सुखी है वो इतना hmm. करके भी मन तो हमेशा जली रहा है उसका है ना क्यों क्योंकि पांडवों के साथ कुछ अच्छा हो रहा है इसलिए उसका मन जली रहा है जली रहा है जली रहा है जबकि वो लोग तो फिर भी सहन करे जा रहे हैं और अपने जो भी परिस्थिति है उसमें सुख मिल रहा है उनको कहीं ना कहीं देखो जीवन में ना हमको एक तो है जो बाहरी परिस्थिति जो हमको अच्छा या बुरा दिखाती है है ना दूसरा हमारे मन के अंदर की बात है तो अंदर से कहा वो सुखी था जी जो सब होने के बाद भी वो सुखी नहीं था तो आप उसको ऐसा इतना बड़ा ऐसा ये इससे बड़ा अनलक क्या हो सकता है hmm. इससे बड़ा लक क्या हो सकता है कि सब है प, माता पिता इतने अच्छे हैं पांडवों के तो पिताजी भी गुजर गए थे है ना माता पिता इतने अच्छे हैं समृद्धि है ऐशो आराम है सब है अच्छे लोग हैं आसपास अगर वो शांति से उनको इंद्रप्रस्थ देने देता तो वो तो वैसे भी प्यार से रहने वाले थे वैसे भी युधिष्ठर वो लोग को तो वो स्वयं से तो कुछ इसको कुछ कर नहीं रहे थे है ना ये सब होने के बाद भी मनुष्य के मन हमेशा जली रहा है काम क्रोध लोभ मोह हमेशा क्रोध है हमेशा जलन है क्या सुख है गीता में अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से वो कहते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि मनुष्य पाप करता है न चाहते हुए भी अथक केन प्रयुक्त यम पापम चरती पुरुष अनिच्छन भी वो कहते हैं कि हे hey, वृष्णी के वंशज इच्छा के बिना कई बार तो उनकी इच्छा भी नहीं होती फिर भी पाप कर देते हैं क्यों ऐसे होता है कि सही ब, ब, गलत क्यों पता नहीं चलता है कृष्ण कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स काम एश क्रोध एश hmm. रजोगुणा समुद्भव ये जो काम क्रोध इंटेंस डिजायर इंटेंस लस्ट इंटेंस जलसी है, ना? Anger, ये ऐसी बात है जो आपकी बुद्धि को ही भ्रष्ट कर देती है right. और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इनफैक्ट वो सेकंड चैप्टर में ये पहले ही कह चुके हैं वो कहते हैं ध्यान संगस तेषु उपजायते संगात संजायते ते काम कि किसी चीज पर आप हमेशा मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए जो उसको है ना कि ये ये राज्य मेरा ये लोग मेरे नहीं वगैरह उससे काम हो जाता है कि नहीं, ये बस मेरा है इंटेंस डिजायर ध्यातों विषयान पुंसंगू उपजाते संगात संजाते काम काम क्रोधो भी जायते सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृति विभ्रमात् विप्रमा, बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रदर्शति जब बहुत डिजायर हो जाता है फिर आपकी बात ना हो फिर आपको वो ना मिले तो क्या हो जाता है क्रोध आ जाता है hmm. जब क्रोध आ जाता है तो यू गेट कम्प्लीटली नहीं करते वैसा एक्शन आप गुस्से में कर देते हो फिर आप पछताते हो है ना पर उस समय आप क्यों करते हो क्योंकि क्रोध के कारण आपकी बुद्धि ये जो मोह छा जाता है मोह के कारण नाश हो जाता है नाश हो जाता है तो आपका पतन होना ही होना है right. दुर्योधन को इतना अधिक मात्सर्य और इतना अधिक द्वेष है पांडवों के प्रति कि वो सही गलत देख ही नहीं पा रहा है उसकी बुद्धि ही काम क्रोध से लिप्त हो गई है ओके hmm. Okay. Wow. Uh, ये काफी हेवी हो गया बट देन अगेन काफी इंटरेस्टिंग है जब भी मैं आपसे बात करता हूँ मुझे कुछ नया सीखने मिलता है महाभारत रामायण की जो बेस्ट बात है ना और भगवत गीता भगवदगीता पार्ट ऑफ महाभारत

Um, तुम्हें करना कुछ नहीं है तुम्हें सिर्फ कमेंट्स में हमें यह बताना है कि महाभारत में जितने कैरेक्टर्स हैं उसमें से जो भी तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर है वो क्यों तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर है एंड हम एक एक नहीं एक्चुअली तीन लकी विनर्स को हम सिलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंड बाकी के रूल्स आपको कॉमेंट्स में मिल जाएंगे पिन कॉमेंट्स में आपको मिल जाएगा सो या डू टेक पार्ट इन दैट एंड मैम की बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सो डेफिनेटली बाय द बुक क्योंकि बहुत सिंपल है हर एक विनर को तीनों पुस्तकें मिलेंगी एग्जैक्टली exactly, हर विनर को तीनों बुक्स मिलेगी महाभारत और रामायण तीनों ही दे रहे हैं यस चुअली वाई बिकॉज जो मैंने जब आपकी तीनों बुक्स पढ़ी आई एक्चुअली गॉट टू नो सो मच अबाउट लाइफ इन जनरल कि मैं चाहता था कि ओके okay, ठीक है हमारा पॉडकास्ट जितने भी लोग देखते हैं उनमें से अगर तीन लोगों की भी हम उस तरह से लाइफ थोड़ी बिल्डअप कर सके थोड़ा उन्हें पॉजिटिव वो एक लेंस दे सके वट वुड बी बेटर दैन दैट तो दिस इज समथिंग फॉर फॉर दैट थैंक यू जयेश गो इट मैम डिस्कशन में आगे जाते सहदेव अपने फादर का ब्रेन जाके खाते है टू लुक इन टू द फ्यूचर ये सच में हुआ था नहीं हुआ था मतलब कैनिबलिज्म कहाँ से आ गया एकदम से मुझे नहीं मालूम है पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा एब्सोल्यूटली कुछ नहीं हुआ है किसी ने किसी का भेजा नहीं खाया है hmm. और सहदेव को फ्यूचर का ज्ञान है ये हमें नहीं पता ये वेदव्यास जी तो नहीं कहते ये भी नहीं लिखा। सहदेव अत्यंत बुद्धिशाली है बुद्धिमान है ये बात अवश्य है ठीक okay. है पर वो भेजा खा लिया और मांस खा लिया और ऐसे right. कोई बात नहीं यार okay. वो लोग अच्छे मनुष्य थे ऐसे कहीं You know, ऐसे नहीं एंड हाँ, पूरा कहीं पे कुछ, बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही है, जो भाई जो राष्ट्र जो, कुछ -कुछ जो है उनको माना ही राक्षस इसलिए जाता है क्योंकि उनमें कैनिबलिज्म है, है ना तो कदाचित उस समय ऐसे लोग थे जो कैनिबल्स थे पर ये लोग वैसे नहीं थे दैट इज अ क्लियर डिफ्रेंसिएशन राइट सो प्रॉब्लम बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये अगर जो हिडिम्बा वाला जो एंड है उसे अगर हम राक्षस कहते हैं तो ये लोग कौन हुए मतलब हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट पीपल मतलब वेदिक जो लोग थे वही ओके ओके ठीक है uh, मैम एक और जो मैंने चीज आपके बुक से सीखी विच इज धर्मशास्त्र है उनका जो एक एंड गोल है धार्मिक लाइफ का वो एक टर्म उसमें कहा जाता है कि अचीव करना होता है जिसे कहा जाता है निश्रेयस, निश्रेयस, निश्रेयस तो हाँ। ये क्या होता है अभ्युदय और निश्रेयस ये दो लेवल्स पे होता है एक इस जन्म में ठीक है एंड एक आफ्टर लाइफ अभ्युदय मतलब प्रगति ग्रोथ अभ्युदय वो होता है अगेन इस जीवन में hmm. कैसा स्पिरिचुअल इमोशनल एज वेल एज मटीरियल वो निःश्रेयस श्रेयस और प्रेयस ये दो चीजें हैं प्रेयस मतलब हमको प्लेजर्स जो हमको अच्छा लगे श्रेयस मतलब हमारे लिए जो अच्छा हो hmm. अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो लुकिंग बियॉन्ड योर सेल्फ फॉर एग्जाम्पल मुझे uh, लड्डू खाना पसंद है दैट इज प्रेयस मुझे अच्छा लगा मेरी जीवा को अच्छा लगा मैंने किसी को बिना कोई रेसिप्रोकेशन के बिना ये सोचते कि मुझे सामने क्या मिलेगा रस्ता क्रॉस करवाया किसी वृद्ध इनको कोई भी मैं जानती नहीं हूँ कुछ नहीं ना ही मुझे उससे कुछ मिलने वाला है वो क्या हो गया वो श्रेयस का भाग हो गया तो निश्रेयस मतलब वही स्वयं की आ, कैसे कहूं कि not exactly liberation but things that you do or rather that which you gain when you're doing something beyond yourself right theek hai jo acha hai but pleasure wala acha nahi hai something that is good for you beyond that so that hmm. is shreyas okay and this is shreyas okay ma'am uh, एक और जो relationship की मुझे बात करनी थी so thi. so then shreyas yeah. basically means to elevate yourself कि hmm. आपका अभी का जीवन और इसके बाद का उसे का जीवन हाँ सो यू एनरिच योर सेल्फ ग्रो योर सेल्फ की हमेशा आप ये संसार चक्र में ही पड़े रहो hmm. आज मनुष्य का जन्म है फिर वो पशु का जन्म हो जाए ऐसे नहीं यू कीप ग्रोइंग बियॉन्ड दैट दैट इज अभ्युदय Uh, एक जो जो कि मुझे बात करनी थी, uh, युधिष्ठिर और द्रौपदी का रिलेशनशिप mm -hmm. है दोनों को धर्म का बहुत ज्यादा था। एंड अगेन दिस इज समथिंग विच मतलब मुझे तो नहीं पता मैंने महाभारत पढ़ी नहीं है दिस इज समिंग विच आईव पिक्ड युधिष्ठिर और uh, द्रौपदी में एक कॉन्वर्जेशन होता है वेर इन द्रौपदी हिम कि क्या फायदा हुआ तुम्हारे धर्म का इतना

प्रयत्न करती है कि कभी भी जो अन्याय पांडवों के साथ हुआ है hmm. वो पांडव भूले नहीं ठीक hmm. है तो वो ये बात उनको कहती है कि आपको भूलना नहीं चाहिए आप fact, कि क्षमा आप हमेशा क्षमा करते हो ये सही नहीं है मनुष्य को दंड भी देना चाहिए क्षमा भी देना चाहिए क्रोध भी आवश्यकता हो तो करना चाहिए और मृदु भी रहना चाहिए hmm. ये बात वो कह रही है ठीक है वो कहती है कि आप देखो आज तक आप हमेशा वो इनफैक्ट स्वयं की बात नहीं कर रही वो कह रही है कि आप हमेशा धर्म के मार्ग पर रहे फिर भी आपके साथ आपको ये वनवास का दुख भुगतना पड़ रहा है हुँ. आप इसके यू यू बी गोइंग थ्रू दिस आप इसके लायक नहीं है आप ऐसा बदतर जीवन जीने के लायक नहीं है आप राज्य करने के लायक है इसलिए आपके साथ जो हुआ है वो गलत है इस बात का आपको क्रोध आना चाहिए आपको कभी नहीं भूलना चाहिए और आपको जो आपका राइटफुल अधिकार है वो वापस लेने के लिए जो भी संघर्ष करना चाहिए वो आपको करना चाहिए ये बात वो कहती है नॉट hmm. इन कि मेरे साथ आप कैसे जस्टिफाई करते हो शी टॉक अबाउट दैट ओके ये वो कृष्ण को कहती है देखो अगर ये लोग कह रहे हैं कि पांच गांव नहीं दिया तो भी शांति स्थापित कर दोगे ये आप मत करना आप याद रखना मेरे साथ उन्होंने क्या किया है वो कृष्ण को कहती है कि देखो मेरे साथ उन्होंने क्या किया है मेरे बालों को उसने किस प्रकार मुझे कैसे घसीट के लाया है ये आप कभी भूलना मत इसका जो दंड है वो तो उनको मिलना ही चाहिए अगर मेरे पति नहीं देंगे तो मेरे पुत्र देंगे right. ये बात वो कहती है पर जब युधिष्ठिर के साथ उसका संवाद हो रहा है तो वो स्वयं के लिए नहीं बात कर रही है वो पांडवों के अधिकार के लिए बात कर रही है hmm. okay. And...

और उनके मन उनको जो सही लगता है उन्होंने उसके विषय में अपने विचार भी बहुत बहुत अच्छे से बहुत भावपूर से भावपूर्ण तरीके रखे उनका जो बाकी के चार पांडव है उनके साथ में इक्वेशन कैसा है के के साथ तो I think so, so, से भी पता चलता है कि आ, एक अर्जुन तो, के लिए उनको खास की कि हम पांचों पति के साथ वैसे तो उसका सब अच्छा हुँ. था पर अर्जुन के प्रति उसे अधिक भाव था एंड right. था वो उनको देखा था पर बाकी सबके साथ जैसे आ, सहदेव और नकुल जो थे, वो तो छोटे थे उनके लिए जो भी उनका कर्तव्य है वो तो द्रौपदी निभाती थी पर अर्जुन के लिए जो उनको भाव था पर भीम के साथ भी उनका बहुत अच्छा कनेक्शन oh, okay. था क्योंकि भीम जो है ही इज मोर ऑफ अ भावना वाले ठीक है द्रौपदी को जो चाहिए वो भीम ला के देंगे कभी hmm. द्रौपदी अगर वो वनवास में जा रहे हैं और कहीं से अच्छा सुगंध वाला फूल देखेंगी तो वो कितना भी की ये उनके बीच भी बहुत अच्छा सा अभाव है okay. जो प्रेम है वो बहुत अच्छा है सबके साथ है बट भीम के साथ भी बहुत अच्छा ट्यूनिंग है भीम वाज वन पर्सन शी डिपेंडेड ऑन actually भीम was a very dependent person in general. Even hmm. Yudhishthir, उन पे बहुत depend करते थे. In fact, ये जो पांचों पांडव जो यक्ष प्रश्न जब आता है तब यक्ष जो कहते हैं कि अच्छा तुमने मेरे सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया है अभी कोई भी एक भाई को तुम जगा सकते हो मैं एक का जीवन तुमको वापस देता हूँ तो युधिष्ठिर तब नकुल की बात करते हैं कि आप नकुल को जीवित करिए तब यक्ष बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते अरे ऐसे कैसे

तब अपनी माता जी को को भी भी वो उठा उठा लेंगे लेंगे सहदेव नकुल <laughs> yeah. hmm. kind of okay. wow. uh, मैम जब जब हम हम बात कर रहे थे, थोड़े पहले जब हम कर रहे रहे थे थे इससे देर पहले कि ये लोगों में धारणाएं कहाँ से आ जाती है कि यू नो रावण के रा, खिलाफ मतलब रावण के लिए प्यार इतना करने के लिए uh, उसे से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछना है, बहुत सारी हमारी स्क्रिप्चर्स है अब इनमें हम डिफरेंशियट कैसे करें कि क्या इतिहास है क्या माइथोलॉजी है बिकॉज लाइंस बहुत वो थिन लाइन है एक तो इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें देखो दो ही ग्रंथों को इतिहास कहा गया है वेद व्यास जी रचित महाभारत और वाल्मीकि जी रचित रामायण पुराणों को पुराणों को नहीं नहीं उनको पुराणी कहा गया है और उसका okay. कारण है आप इतिहास केवल उन ग्रंथों को कहा गया है जो जिन्होंने रचना करी वो तब के समकालीन थे मतलब कंटेम्पररी थे वेदव्यास जी तो अपने ही परिवार जनों की बात कर रहे हैं ना वेदव्यास जी का ही तो रक्त है पांडु और धृतराष्ट्र में तो वो बेसिकली अपने बच्चों की बात कर रहे हैं वाल्मीकि जी भी जब श्री राम राजा थे तब वाल्मीकि जी भी उस समय वहां थे सो कंटेम्प्री राइट पुराण वैसा नहीं है पुराण के टॉपिक भी अलग है जैसे अगर आप इतिहास देखो तो आज इस धरती पे हुए जो भी घटनाएं हैं उनके विषय में बात करते हैं वेरी आधि भौतिक राइट अगर आप पुराण देखो तो वो कॉस्मिक लेवल पे हो रहे हैं देवासुर संग्राम लेवल पे हो रहे हाँ. हैं उसमें भी दे इज सम हिस्ट्री ठीक है जीडियोलॉजीज है थोड़ा हिस्ट्री है उसमें भी है बट द लार्जर पार्ट इज द कॉस्मिक लेवल एंड और भी पुराना ये जो महाभारत रामायण से भी अधिक पुराने वो विषय हैं जिसके विषय में बात, बात हो रही है ऑल्सो उसका फोकस जो पुराणों का है वो भक्ति अधिक है hmm. इतिहास का ऐसा कोई पर्पज नहीं है इतिहास में जो जैसा था वो वैसा है और धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हमारे पुरुषार्थ है उसकी समझ हमको मिले hmm. हमारा जीवन हम अच्छे तरीके से सार्थक रूप से जिए उसकी समझ मिले उसके लिए जबकि पुराण का उद्देश्य भक्ति अधिक है और देवासुर संग्राम लेवल कॉस्मिक आदि आधि दैविक लेवल पर वो अधिक है इसलिए अगर आप माइथोलॉजी कहना चाहो तो पुराण वुड बी मोर एप्ट फॉर द माइथोलॉजिकल पार्ट और मैं एक बार और कह दू माइथोलॉजी का अर्थ मिथ्या नहीं होता माइथोलॉजी मीन्स अ बिलीफ सिस्टम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल मे बी ट्रू और मे बी समथिंग मेटाफोरिकल राइट ठीक है तो उस तरीके से अगर आप माइथोलॉजी देखो बिलीफ सिस्टम सो दैट इज वाई ऑल पुरान वुड बी मोर माइथोलॉजी देन इतिहास फिर दूसरी बात आती है लॉड्स ऑफ री रामायण वगैरह के जो हुए हैं उनको भी आप इतिहास नहीं कह सकते अगर वाल्मीकि रामायण और उनके कोई भी पुनर्कथन में अगर किसी इंसिडेंट के वास्तविकता को लेके प्रश्न आता है तो आप वास्तविक तो वही मानोगे ऐतिहासिक वही मानोगे जो वेदव्यास जी ने लिखा है बाकी हर एक अलिंग का अपना अपना महत्व है रामचरित मानस वगैरह बहुत भाव से लिखे गए हैं उन्हीं के कारण तुलसीदास जी के कारण श्री राम की आज जो वाइड स्प्रेड भक्ति स्पेशली नॉर्थ में है वो उनके कारण ही है तो ड्यू क्रेडिट फॉर श्योर है ना पर

वो जो धारण करता है जिसे हम धारण कर सके दैट इज धर्म उसका अर्थ क्या टू अप दैट विच अपहोल्ड एंड सस्टेन्स दैट इज धर्म अपहोल्ड एंड सस्टेन्स एनी सिस्टम एनी सोसाइटी राइट तो अगर कोई भी एक्टिविटी सस्टेनेंस में मदद करती है उस सिस्टम के तो वो धार्मिक है, hmm. है ना धर्म संगत है अगर वो एक्टिविटी अगर वो वो जो एक्टिविटी है वो विनाश की ओर ले जाती है तो फिर वो अधार्मिक है एक छोटे सी आपको कथा सुनाती हूँ जो महाभारत से आती है मैंने काफी टाइम से एक्चुअली इसके <laughs> बारे इस कथा के बारे में कहा नहीं है पहले तो मैं बहुत कहती थी हमने अहिंसा की तो ऑलरेडी बात करी अब हम सत्य की बात करते हैं ट्रूथ ठीक है तो महाभारत में एक प्रसंग आता है कि कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि एक ऋषि थे तो वहां पे युद्ध के समय की ये बात है कि सत्य असत्य का क्वेश्चन मार्क है कि क्या करना चाहिए अर्जुन ने तभी ये कहानी वो बताते हैं वो कहते हैं कि एक ऋषि है और वो जो ऋषि है उन्होंने ये व्रत लिया है कि वो जो भी कहेंगे हमेशा केवल सत्य और सत्य ही कहेंगे और सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे तो अब वो बूढ़े हो चुके हैं ऋषि और अपने आश्रम में बैठे और ध्यान में बैठे तो कुछ गांव वाले भागते भागते उनके पास आते हैं और कहते हैं कि आ, स्वामी जी हमारे पीछे कुछ डाकू पड़े हुए हैं वो हमारा सर्वस्व छीन लेना चाहते हैं तो आप और तो हम वहां उस तरफ छुपने जा रहे हैं अगर वो आए तो आप उनको बता दीजिएगा कि हम वहां नहीं है अब हुआ ये तो तभी तो स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा वो लोग तो फटाक से बोल के भाग गए फिर डाकू आए वो भी स्वामी जी के पास रुके और वो पूछा उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि भाई आपने देखा क्या वो गांव वाले कहाँ गए अब क्या किया जाए क्योंकि सत्य बोलने का व्रत लिया हुआ है है ना सत्य ही बोलूंगा सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा और अभी तो उम्र भी आयु भी बढ़ चुकी है इतने वर्ष केवल सत्य बोला है तो क्या करना चाहिए क्योंकि सत्य परमो धर्म ये भी हम कहते हैं क्या करो क्या करो क्या करो क्योंकि अगर वो ये कहे कि वहां पर नहीं है वो जो गांव वाले वहां नहीं छुपे वो तो असत्य हो जाएगा तो क्या करो इसलिए फिर बहुत सोच विचार कर वो कह देते हैं कि भाई वहां पर है और जो डाकू है वो जाते हैं और मार देते हैं उनको और उनका जो भी सामान धन था वो लूट लेते हैं फिर मृत्यु हो जाती है स्वामी जी की और वहां वो यमराज के पास जाते हैं और यमराज बोलते हैं इनको नर्क में भेज दो तो इनको अब गुस्सा आ जाता है स्वामी को कि अरे ये क्या आपने कहा है कि सत्य 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 ही धर्म है सत्य ही धर्म है आप कहने वाले हो कहते हो और मैंने हमेशा सत्य का ही साथ निभाया और आप मुझे नरक दे रहे हो ऐसे कैसे हो सकता है तो बोले ये सत्य था या सत्य का आग्रह हट था आपके सत्य के गलत आग्रह के कारण जो वो इनसेंट निर्दोष गांव वाले थे उनकी मृत्यु हो गई तो ये सत्य धर्म था या अधर्म था राइट right? तो ये धर्म और अधर्म का फर्क है जो समझने की आवश्यकता है क्योंकि अगर सत्य बोल बोल के इस प्रकार से निर्दोषों का हनन हो जाएगा तो क्या समाज टिकेगा will it help sustenance or will it destroy sustenance yeah. right so every action has to be seen in this context hmm. is it allowing the sustenance or is it against that principle that is dharma वैसे तो धर्म के सौ दस लक्षण बताए जाते हैं right. जिसमें ये धृति अक्षमा सत्य अहिंसा शुचि इंद्रिय निग्रह ये सब आता है ठीक है ये सब आता है तो सत्य तो जितना हो सके बोलना ही चाहिए नो no डाउट ठीक है ऐसा नहीं है कि हम हमारे कन्वीनियंस के लिए सत्य बोलना छोड़ दें नहीं मतलब कन्वीनियंस के लिए बहाना बना दे और उसको बोल दे कि अरे मैंने तो मेरे धर्म के लिए किया नहीं नहीं ऐसे नहीं जितना हो सके उतना सत्य बोलना है जितना हो सके अहिंसा ही रखनी है जितना हो सके क्षमावान ही रहना है पर साथ साथ किन परिस्थितियों में उसमें थोड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता हो कि वो डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाए ये समझ होना भी अत्यंत आवश्यक है राइट right. uh, मैम तो हमने धर्म को समझ लिया बट अब एक बहुत इंटरेस्टिंग uh, श्लोक है जो बहुत सारे लोग कहते भी है धर्मो रक्षति रक्षत hmm. uh, ये शायद महाभारत से ही आता है नाउ uh, मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है जस्टिफाई करते हुए सुना है कि ये इसका जो मतलब है वो ये टेक्निकली मीनिंग है कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है तो आई सॉ दिस पर्टिकुलर कॉमेंट इन वन ऑफ योर टॉक्स जिसमें उस इंसान ने लिखा था कि ये तो फिर आप वायलेंस uh, को जस्टिफाई कर रहे हैं ना कि मतलब धर्म की रक्षा करने के लिए आप वायलेंस तक जाओ एंड धर्म आपकी रक्षा करेगा उसके लिए तो डजेंट मतलब रक्षा का अर्थ क्या और धर्मो रक्षित रक्षित एक तो है लार्जर समाज के परिप्रेक्ष्य में और अभी हमने बात करी कि अगर कोई ऐसा क्रिमिनल है जो समाज पे हिंसा करता है तो उसको तो आपको दंड देना ही पड़ेगा है ना तो आप उसके जस्टिफिकेशन मानो या कुछ भी कहो क्योंकि अगर आप उसे दंड नहीं दोगे तो समाज पे हिंसा हो गई बट डज इट ओनली मीन दैट धर्म जो कॉन्सेप्ट है वो हर हर सिस्टम पे लागू होता है वो सिस्टम आप और मैं भी है ठीक है दिस बॉडी दिस शरीर एंड मी इज ऑल्सो सिस्टम ठीक है अगर मैं अपना मैं मन में आए वो खाऊं मन में आए उसका कचरा खाऊं कभी ना व्यायाम करूं मन में आए उतनी सिगरेट पीऊं तो क्या मेरा ये शरीर मेरी रक्षा करेगा जब मुझे आवश्यकता होगी तो क्या शरीर मेरा साथ देगा कभी नहीं पर अगर मैं अपने शरीर का ध्यान रखती हूँ जैसे वो कृष्ण कहता है ना युक्त आहार विहार युक्त आहार विहार जितना सोना चाहिए सोती हूँ जितना उठना चाहिए उठती हूँ खाना सही से खाती हूँ व्यायाम सही से करती हूँ हेल्दी स्वस्थ जीवन जीती हूँ तो मे, मैं मेरा शरीर अधिक टाइम चलेगा और अधिक टाइम मुझे सही काम करने में मेरे सहायता देगा राइट यहाँ पर भी तो लागू हुआ ना धर्मो रक्षति रक्षित अच्छा उसके पहले आता है धर्मो एव हतो हंती धर्मो रक्षति रक्षिता धर्म एव हतो हंती अगर मैं अपने शरीर को खत्म करने जैसा काम करूंगी तो मेरा शरीर जब जरूरत पड़ेगा तो मेरे को काम नहीं आएगा ना धर्म हतो हंती शरीर की रक्षा करूंगी तो जब मुझे आवश्यकता है तब शरीर मेरा साथ देगा यही बात आप कुटुंब पे लगा लो एक कुटुंब व्यवस्था जो है एक परिवार है उसमें अगर कुटुंब से हम सबको बहुत फायदा होता है ना हमें प्रेम मिलता है खाने पीने को मिलता है कभी कुछ ठीक ना हो तो ध्यान रखा जाता है क्योंकि ये कुटुंब व्यवस्था है पर अगर कुटुंब व्यवस्था में कोई ऐसा कहे कि भाई मैं लूंगा तो सब मुझे बेनिफिट सारे चाहिए पर मेरा जो कर्तव्य है कुटुंब के प्रति वो मैं नहीं निभाऊंगा वे और हाईवे मुझे आवश्यकता हो तब तो मैं कुटुंब से लेने को तैयार हूं पर अगर कुटुंब के लिए मुझे कुछ ट्रेड uh, ऑफ करना पड़े है ना मेरा कर्तव्य करना पड़े वो मैं नहीं करूंगा तो क्या वो कुटुंब रहेगा ऑब्वियसली नॉट राइट सो इफ आई टेक केयर ऑफ माई कुटुंब द कुटुंब विल टेक केयर ऑफ मी कुटुंब से जो बेनिफिट मुझे मिलना है वो मिलेगा इफ आई बिहेव इन अ वे कि कुटुंब टूट जाए अपने भाई के साथ जो उसका राइटफुल अधिकार है उसे छीनने का प्रयत्न करूं hmm. या ऐसा कुछ भी जो आजकल प्रॉपर्टी मैटर्स इतना चलते रहता है ना तो अगर मैं ऐसा बिहेवियर करूं कि मेरा कुटुंब टूट जाए तो क्या कुटुंब से होने वाले बेनिफिट मुझे होंगे hmm. धर्म एवं तोह थी धर्म रक्षा ही रक्षता इसको हम ना ये धर्म शब्द को व्यापक रूप से देखने की आवश्यकता है छोटे से इसमें नहीं पर वो भी सही है अगर आपको समाज को बचाने के लिए अगर हिंसा का प्रयोग करना पड़े तो आपको करना ही पड़ेगा नहीं तो आप क्या करो है ना अगर पाकिस्तान अपने पे आक्रमण करता है तो क्या हम अहिंसा अहिंसा <laughs> का भजन गुण या आपको सामने अपने आप को प्रोटेक्ट करना hmm. पड़ेगा अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करना ये क्या होगा ये अधर्म होगा राइट बिकॉज धर्म इज अबाउट सस्टेनेंस तो अगर जरूरत पड़े तो जो कर आवश्यकता होने के लिए जो भी करना पड़े करना पड़ेगा बिकॉज hmm. okay. uh, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि किस तरह से कौरवों में थे पांडवों में भी कुछ फ्लॉज होने चाहिए ना मतलब है तो इंसान ही वो तो उनमें क्या फ्लॉज थे मतलब थे अगर थे, थे कुछ तो मनुष्य में अच्छा बुरा सब होता है ठीक है बात अच्छे बुरे की नहीं है बात यह है कि जब आपको निर्णय लेना होता है तब आप किस प्रकार निर्णय लेते हो तो क्या ऐसा है कि पांडवों ने कभी गलत निर्णय लिया ही नहीं ऐसा नहीं है युधिष्ठिर की तो हम जानते हैं कि जो ऑफ कोर्स वो वो प्रसंग को भी समझना चाहिए कि जो द्यूत क्रीड़ा का प्रसंग था लोग उसमें ये कहते हैं अरे ऐसे ऐसा कौन सा धर्म है कि आप अपनी पत्नी को दाव पे लगा दो ऑफ कोर्स वो वैसे नहीं हुआ पहली बात तो युधिष्ठिर को द्यूत खेलने जाना ही नहीं था वो जब विदुर आते हैं और कहते हैं कि आपको बुलाया है दूध खेलने धृतराश ने तो वो पहले कहते हैं कि द्यूत से तो कलह होता है जी। तो कलह का काम क्यों करना चाहिए कुटुंब में कलह हो जाता है तो विदुर कहते हैं तो आप मना कर देना बट आज हमको जो बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट है वो तो उनको नहीं थी ना तो वो क्या कहते हैं कि चलो ठीक है अगर वो कह रहे हैं तो मैं आ जाता हूँ वहां जाकर भी वो कहते हैं कि शकुनी जब कह रहे कह रहे आओ आओ हम मजे करेंगे वो इसे हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं ये तो अवॉइड करना चाहिए पर शकुनी जानते हैं कि इफ यू टेल हिम कि आप चले जाओ तो वो जाने वाले नहीं है बहुत स्वाभिमानी है वचन दे दिया है तो निभाएंगे तो वो कहते ठीक है आपको नहीं खेलना है मत खेलो तो बोलते नहीं हम आए हैं तो खेलेंगे ठीक है तो एट एवरी पॉइंट ही इज लिटिल अनकंफर्टेबल द वे थिंग्स आर और उसमें भी जब जब पर जब आप खेलने लगते हो ना तब क्या होता है जब एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक के आपका सब कुछ नष्ट हो गया तब वो है ना कि जो अ डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है तो उनको लगता है कि अरे मैं अगर सहदेव को दांव पे लगा दूं कदाचित सब मिल जाए hmm. इतना सब नष्ट हो गया एक दांव से कदाचित सही हो जाए तो पहले तो वो सारे भाइयों को अपने आप को लगा देते हैं फिर कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है तब शकुनि कहते हैं अरे है ना तुम्हारी पत्नी कदाचित उसको लगा के तुम जीत जाओ तो फिर इस प्रसंग का और तो मैं डिटेल में भी जाना चाहती इसमें पर इस प्रसंग का सिर्फ फिर वो जब वन में बात कर रहे हैं कि तो भीम कहते हैं कि आपके कारण हमारे साथ ये हुआ तो युधिष्ठिर कह रहे हैं सही बात है इससे हमको ये देखना चाहिए कि मनु हर हरती मनुष्य से धैर्य कि आप जब उस पैशन में आ जाते हो ना कि अरे मेरा बच जाए मेरा बच जाए संभाल लूँ तब अच्छे अच्छों की जो मनोदशा है वो खराब हो सकती है आप निर्णय गलत ले सकते हो तो उनके साथ भी उस इंस्टेंट में ऐसा हो गया कोर्स अगर वैसा नहीं होता तो क्या आउटकम होता वी डोंट नो वॉज दैट एन ऑप्शन की वो ना लगाते द्रौपदी को वी डोंट नो ठीक है वो सब तो बात की बात है पर वो कहते हैं मनयु हरती मनुष्य से धैर्य कि कदाचित उस समय में रुक जाता तो ये ना हो पाता क्योंकि पर उस समय मनयु के कारण वो पैशन के कारण रेज के कारण वो धैर्य चला गया hmm. तो ये एक बात आप कह सकते हो दूसरा मैं आपको बताती हूँ युद्ध से युद्ध में जब आ, सबसे पहले तो द वेरी फैक्ट कि अर्जुन जो है वो डगमगा जाते हैं युद्ध करने से पहले hmm. है ना इमोशनल हो रहे हैं हम क्या कहते हैं कि आप ऑब्जेक्टिवली आपको निर्णय लेना चाहिए क्या अर्जुन को युद्ध से डर लगता था नहीं कितने ही युद्ध करे थे है ना इस समय क्या हो गया वो भावनाओं में बह रहे थे कि मेरे आ, पिता मे, मेरे चाचा मेरे पिता माँ वगैरह वगैरह ऑल ऑफ दैट राइट मेरे गुरु सब पता था कि इनके साथ युद्ध करना पड़ेगा और उन्होंने इतने टाइम तैयारी भी की थी बट उस समय द इमोशंस मेड हिम वीक द अटैचमेंट मेड हिम वीक राइट बिकॉज ऑफ विच ही अच्छा इट डेंट स्टॉप देयर उसके बाद भी भीष्म hmm. कृष्णा तो मैं मेरी गई भाड़ में मैं मारूंगा क्योंकि तुम्हारे पिता महिला लाखों की संख्या में हमारे लोगों को मार रहे है hmm. भले वो पांच पांडवों को नहीं मार रहे थे बट सैनिकों को तो मार रहे थे तो ये तो मतलब अगर तुम उनकी नहीं रक्षा करोगे तो फिर मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के युद्ध भूमि पे आऊंगा तभी फाइनली वो दसवें दिन पे तो अभी भी वो इनडिसनेस थोड़ा है अच्छा उसके अलावा और एक बात है जब आ, आ, ये अपने अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है राइटफुली गुस्से में, में है अर्जुन बहुत दुखी है और वो ये अनाउंस कर देते हैं कि जयद्रथ जो है वो अगले दिन का सूर्यास्त नहीं देखेगा अगर सूर्यास्त होगा तो मैं अग्नि में अपने आप को आत्मदहन कर लूंगा उस समय कृष्ण बहुत गुस्सा हो जाते हैं है जब ये बात कहता है वो कहता है तुमने किसी से पूछा ऐसा अनाउंसमेंट करने से पहले ये तो बहुत रैश बिहेवियर है है ना क्या तुमने तुम्हारे भाई से पूछा क्या तुमने मुझसे सलाह की ऐसा रैश डिसीजन लेने से पहले और तुमने अपनी स्ट्रेटेजी उनको बता दी कि मैं ऐसा करने वाला अब जो सारे ही क्योंकि पांडवों की जीत बहुत हद तक अर्जुन पे निर्भर थी कृष्ण उन्हें कहते हैं कि तुमने उनको बता दिया कि तुम कल क्या करने वाले हो अब सारी की सारी जो कौरव सेना है उनको केवल एक बात करना है जयद्रथ को बचाना है जयद्रथ बच गया तो तुम सब वैसे ही हार जाओगे दिस वॉज अ वेरी स्ट्यूपिड डिसीजन जो तुमने उस समय अगेन पैशन में ले लिया राइट right? तो ऐसा नहीं है कि इनमें ये जो मनुष्य के गुण जो होते हैं या अवगुण वो नहीं थे ऐसा नहीं है परंतु जो स्ट्रेंथ उनका था ना वो ये था कि वो समझते थे कि ये हैं जी और वो ये समझते थे कि कौन ऐसा है जिससे हमें सही गाइडेंस मिलेगा और जब सही गाइडेंस उन्हें मिलता था तो वो अहंकार में नहीं लेते थे कि अरे मुझे ऐसे कैसे बोल दिया मुझे ये करना था इसको मना करने वाले ये कौन मुझे ऐसा नपुंसक नपुंसक बोलने वाले ये कौन है ना शुरुआत में तो मैंने तुम्हें बताया वो hmm. कैसे किस प्रकार डांट देते हैं उनमें इतनी ह्यूमिलिटी थी एक्सेप्ट करने की कि भाई ठीक है मुझे नहीं मालूम मुझसे गलती हो सकती है तो जहां से मुझे सही guidance मिले मैं उसको मानू। hmm. ये strength था अवेयरनेस okay. की हाँ स्वयं में गलतियां हो सकती है और कोई और है जिससे मुझे गाइडेंस मिल सकता है दैट इज द स्ट्रेंथ दे हैड ऑन द अदर साइड देर वॉज नो अवेयरनेस ऑल्सो

Uh, दुर्योधन उनके अगेंस्ट है एवरीथिंग हैपेंस बट ऐसा नहीं है कि ये पहले कभी नहीं हुआ या किंग्स इसके लिए वॉर पे नहीं गए एक दूसरे से ऐसा क्या हुआ इस वक्त कि अक्षहुनीज अक्षवल्व uh, hmm. हो गई विच इज लाइक क्लोज टू फोर्टी सेवन लैक पीपल इतने बड़े अमाउंट में लोगों का आना उस वॉर से जुड़ना ऐसा क्या हो गया वॉज इट दैट वन मोमेंट जहां पे द्रौपदी के साथ जो हुआ वो हुआ या कुछ और था या क्या रीजन था ये देखो इंडिविजुअल युद्ध अलग होता है जैसे विराट का युद्ध हुआ, हुआ उसमें वो त्रिगर्थ नरेश और ये लोग ने अपना त्रिगर्थ नरेश और कौरवों ने हस्तिनापुर वालों ने अपनी जोड़ी बना ली और कहा हम एक देश पे चढ़ चढ़ाई चड़, कर देंगे दैट इज द सिंपल काइंड ऑफ वॉर्स राइट इसमें क्या हुआ कि जो तेरह वर्ष इनका वनवास चल रहा था अच्छा एक्चुअली थोड़ा और पीछे जाते हैं युद्धेश्वर ने राजसूय यज्ञ किया था ठीक है राजसूय यज्ञ में क्या होता है उस समय की जो परंपरा होती थी तो सारे जो राजा थे वो अपने आप को कहीं ना कहीं चक्रवर्ती बनाने की बनने की बनने अभिलाषा रखते थे चक्रवर्ती मतलब क्या कि सारे राज्य हैं वो उन सब पे आपका आधिपत्य है यू आर ए लीडर ऑफ द मॉल मतलब क्या ऐसा नहीं है कि आप उनके राज्य ले लेते हो ठीक है उनके राज्य है पर वो सभी के सभी आपको टैक्स देते हैं ठीक hmm. है एंड बदले में आप उनकी रक्षा करने का वचन देते हो ठीक है बट दे ऑल अग्री कि आप सुप्रीम हो राजाओं में सर्वश्रेष्ठ हो चक्रवर्ती हो ठीक है ये ये पोजीशन चक्रवर्ती राजा की होती थी तो ये कौन हो सकता है वही हो सकता है जो अत्यंत समृद्ध हो और अत्यंत बलशाली हो hmm. और टू बिकम दैट देर वॉज अ प्रोसीजर द प्रोसीजर वॉज थ्रू राजू यज्ञ और समटाइम्स अश्वमेध यज्ञ ठीक है जिसके लिए क्या होता था कि बिफोर दिस यज्ञ जो भी आपका बाउंड्री हो दैट जितने भी राज्य हो उन सब को या तो आपको स्ट्रेटिजिकली डिप्लोमैटिकली मनाना है कि वो मान जाए कि हाँ भाई हम आपको टैक्स देने तैयार है हम आपका चक्रवर्ती मानते हैं तो कोई डिप्लोमेटिकली मान जाएंगे अगर कोई वैसे ना माने तो आपको उनको विथ स्ट्रेंथ हराना होगा युद्ध करके हराना होगा तो राजस्व यज्ञ के पहले जो चार पांडव है वो जो युधिष्ठिर तो इंद्रप्रस्थ में है बट बाकी जो उनके भाई है वो विजय यात्रा पर निकलते हैं जिसमें अर्जुन जो है वो नॉर्थ में जाते हैं उत्तर में जाते हैं भीष्म जो भीम जो है वो पूर्व में जाते हैं नकुल है वो पश्चिम जाते हैं और सहदेव साउथ में जाते हैं और सारे जो राज्य हैं किसी किसी को डिप्लोमेटिकली बनवाते हैं किसी किसी को स्ट्रेंथ से मनवाते हैं एंड इवेंचुअली दे ऑल कम बैक विजय यात्रा को संपन्न करके एंड रात यज्ञ होता है hmm. अच्छा अब इसमें जिनके साथ युद्ध हुआ या जो इवन डिप्लोमेटिक सब तो खुशी खुशी नहीं हुआ है ना जी तो उनके मन में कहीं ना कहीं तो आपके अगेंस्ट है राइट hmm. प्लस right? तेरा वर्ष जो वनवास में वो है तब तक दुर्योधन हैज आल्सो एंश्योर्ड कि ही हैज है, है, मेड अलायंसेस बिकॉज पता तो है ही तो इज ऑलवेज क्लियर कि युद्ध तो होना ही है इनके साथ hmm. वो तो हमेशा घाई में है युद्ध करने के तो अलायंसेस भी उसने बना लिया है कि कहाँ कहाँ से आएंगे क्योंकि ये सारे ही राजा कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू right. रिलेशनशिप्स ये हैविंग एंगर इसके कारण राजसूर्य के कारण या जो भी कुछ है तो वो सब एकत्रित हो गए और यहाँ पे इन्होंने अपने को भी बुला लिया है जिसमें पांचाल नरेश एक है पांचाल कौन है द्रौपदी के साइड के तो दे आर कनेक्टेड टू टू देम right. दे हैड हाँ सपोर्ट राइट विराट देश अब कनेक्ट हो गया है क्योंकि उनके भी जो बच्चे हैं hmm. वो कनेक्टेड है कुछ कुछ यादव इनके साथ आ गए हैं दे आर ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू ब्लड hmm. तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन भी है और सपोर्ट भी है कि एक दूसरे का कि अगर ये युद्ध हो रहा है तो वी आर गो टू टेक साइड्स Correct. and people if you have reached out to them then they might as well get involved right this hmm. was a huge yuddha that was supposed to, i mean that's how it eventually became right a huge yuddha because of all the circumstances जो सारी परिस्थितियां हैं वो एकत्रित अगर वो इतना बड़ा जो भाइयों का एक परिवार का जो युद्ध था वो धर्म युद्ध में बदल गया So, क्योंकि वो इतने well connected थे and किसी कुछ मतलब हर जगह से कहीं ना कहीं से कनेक्शन निकल रहे थे Correct. उसलिए वो वो एक स्नोबॉल इफेक्ट जो कहते हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो गए ओके मैम जब हम इस युद्ध की अगेन बात करते हैं <laughs> कुछ कुछ ऐसे थे उन्होंने कहा था तो अच्छा, उड़पी की हाँ, उड़पी की ये फोकलोर है ऐसा oh. कहीं पर भी नहीं है कि वो सिर्फ खाना खिलाने आए नहीं okay. ऐसा कुछ भी नहीं है पर जैसे कुछ कुछ इसलिए न्यूट्रल रह गए क्योंकि उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया किसी भी साइड ने जैसे विदर्भ के रूप उनको किसी भी साइड ने एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज uh, वो ना वो पहले एक साइड पे जाता है और बोलता है कि अरे आप चिंता मत करो देख रहा मैं तो ही केम विद लॉट ऑफ अभिमान ओके तो एक साइड ने बोला नहीं चाहिए उसी एटीट्यूड से वो दूसरे साइड पे गया तो वो भी बोले बाबा नहीं चाहिए तुम बैठो ठीक है तो वो रुकमी कई साथ ऐसा हुआ कुछ कुछ तो इन्वॉल्व ही नहीं हुए जैसे वो मणिपुर वगैरह थे वो लोग इन्वॉल्व नहीं हुए और बलराम जो थे उनको पर वो तो खैर right. अकेले ये थे हाँ. उनको उनको था कि मैं दोनों से hmm. ही न्यूट्रल तो मुझे नहीं तो स्टैंड कुछ -कुछ hmm. तो लिया ही दिया hmm. अब अगर कौरवों का देखें तो एक तो भीष्म के लिए लोगों को मान था एक वो बात। hmm. दूसरा दुर्योधन ने अलायसेस किए थे तीसरा उनके भी तो ये मैरिड hmm. इतने hmm. सारे वो लोग थे तो मैरिज कनेक्शंस भी तो होंगे ना तो ओके so, okay. mm -hmm. ये भी एक मिसकनसेप्शन था कि मतलब उस वॉर में सभी को पार्ट लेना जरूरी था एज साइड लोग न्यूट्रल भी थे एंड ऑफ कोर्स वाली जो कहानी है आल्सो हाँ, ना व्हेन आउट टू टू यू सपोर्ट तो आप कैसे मना करो बिकॉज कभी आपको भी आवश्यकता होगी hmm. तो फिर अगर आप अभी मना अबाउट

पर चर्चा और डिस्कशंस तो हुए ही है जैसे जब राजसूय यज्ञ हो रहा करना कि नहीं करना ये जब प्रश्न था है ना कि जब इंद्रप्रस्थ स्थापित हो गया है वो लोग तो समृद्ध हैं बलशाली हैं सब है तब सभी जो उनके मेंटर्स हैं जो ऋषि हैं जो गुरु हैं वो कहते हैं युधिष्वर से कि अब तुम लायक हो राजसूय यज्ञ करने के पर युद्धेश्वर इज नॉट कम्प्लीटली कन्विन्स्ड तो वो पूछते हैं कृष्ण से कि आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए ये यज्ञ करना चाहिए नहीं करना चाहिए और उस समय कृष्ण उनको बहुत ही सुंदर सलाह देते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें करना चाहिए तुम इसके लायक हो पर अभी तुमने तुम्हारे ऑब्स्टिकल्स को जो तुम्हारे मार्ग में जो रोड़े आएंगे ना उसको तुमने साफ नहीं किया है पहले उनको करना पड़ेगा और वो सबसे बड़ा जो रोड़ा है दैट इज जरासंध तो जब तक जरासंध है तब तक तुम रात से यज्ञ नहीं कर पाओगे सबसे पहले उसे हटाओ उसे कैसे हटाओगे वो कहते हैं कि आज जरासंध इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल किंग बहुत सारे जो राजा हैं वो उसके अंडर में आते हैं उसकी बात मानते हैं क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है तो अगर जरासन को हरा दोगे तो एक तो सिंबॉलिकली तुम सबको मैसेज भेज दिया तुमने कि तुमने दिखा दिया सबको कि तुम्हारी कितनी स्ट्रेंथ है ना तो वैसे ही वो तुम्हारी बात मान जाएंगे और और uh, साथ ही में तुम्हारा ये जो रास्ता है का hmm. मतलब जाता हूं वो तो ये जहां जहां पर भी आवश्यकता हुई हैज ऑलवेज कंसल्टेड कृष्णा तो ये भी उसमें है hmm. प्लस तो और काम गीता का संवाद तो हमने सुना ही hmm. है उसके पहले भी जब युधिष्ठिर को कन्विंस करना है युद्ध की बात की भाई तुम भागने का प्रयत्न मत करो तुम्हारा प्राश्चित ही ये युद्ध है तभी भी वो आता है बट ये सबसे ज्यादा विस्तृत और सबसे ज्यादा जो भगवत गीता है वो तो अलग ही लेवल का हाँ है ना ओके नकुल नकुल सहदेव सहदेव के के साथ साथ में उनके कोई है है जो बहुत ही प्रोफाउंड थे आपको लगता कृष्ण के, साथ के नहीं है डायरेक्टली पर नकुल सहदेव स्पेशली युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर उस मोड में है कि अत्यंत गिल्ट उनको है बहुत ही ग्लानी है कि क्या हो गया इतना बड़ा विध्वंस जो हो चुका है तब नकुल का युधिष्ठिर के साथ सहदेव का युधिष्ठिर के साथ संवाद है जहां पर वो बताते हैं कि क्यों उनको आ, सत्ता का त्याग नहीं करना चाहिए पर सत्ता भोगनी चाहिए शासन करना चाहिए क्योंकि वो कर्तव्य है okay. तो तब उनके बीच ऐसे as well. का तो अपने को पता नहीं hmm. कि उसको हुआ कि नहीं पर मरने तक तो उसे नहीं हुआ

मेरे अलावा कुछ नहीं मैं ही प्रायोरिटी हूं तो मेरे को कोई कंफ्यूजन ही नहीं, नहीं है ना दुर्योधन धर्म ही नहीं है तो संकट क्या ओके okay. धर्म के अगर समझ भी होगी तो संकट आ सकता है hmm. ना तो उसे वो भी नहीं था और अगर एंड में उसे ये लग रहा था अगर तुम तो उसे देखो ना तो उसे भले गिल्चर्य भाव और वो तो बहुत था युद्ध के समय उसे ये अवश्य लग रहा था कि भाई ये क्या हो जा रहा है मतलब वो पांडव तो हैं बट एक के बाद एक मेरे योद्धा hmm. मरे जा रहे हैं तो उसे कहीं ना कहीं ये तो he had come to accept that that is a better side hmm. फिर But भी बट दैट वाज इन टर्म्स ऑफ कि कौन ज्यादा पावरफुल कौन ज्यादा पावरफुल है नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैंने ये क्या किया hmm. Hmm. नहीं वो ओके okay. कभी नहीं हुआ ओके एटलीस्ट नॉट दैट वी नो ऑफ हम्म

दक्षता इज वर्किंग हार्ड पुरुषार्थ ओके ठीक है इट ऑल्सो इंक्लूड्स धर्म अर्थ काम ऑल ऑफ दैट इसको हम चाणक्य के देखते हैं चाणक्य क्या कहते हैं सुखस मूलम धर्म, hmm. धर्म से मूलम अर्थ ठीक है कि धर्म का जो मूल है वो अर्थ है यहाँ पे वो कह रहे हैं धर्म का जो मूल है वो एंटरप्राइज है दक्षता है एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है तो बेसिकली धर्म एक तो कॉन्सेप्ट है बट धर्म कैन ओनली मैनिफेस्ट वेन पीपल आर एक्टिंग ऑन इट इन एवरी एस्पेक्ट आप रिसोर्स भी जनरेट कर रहे हो आप जो संकल्प के साथ काम करना चाहिए वो भी कर रहे हो आप राइशियसली भी जी रहे हो कर्तव्य भी निभा रहे हो है ना तो ही धर्म होगा धर्म डजन स्टैंड इट इज अ कॉन्सेप्ट द कॉन्सेप्ट रियली अचीव समथिंग वेन दैट कॉन्सेप्ट इज इंप्लीमेंटेड राइट

Uh, एक और चीज़ एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू लाइक दीज रैपिड क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेशंस थे इस बुक में भी तो uh, एक और वो जब भीष्म पितामा और युधिष्ठिर का कॉन्वर्जेशन हो रहा है उस वक्त युधिष्ठिर uh, भीष्म को पूछते हैं अबाउट शिव जी एंड भीष्म पितामा उन्हें कहते हैं कि आप श्री कृष्ण से पूछिए बिकॉज उन वो भक्त रहे हैं शिव जी के इन हिज लाइफ टाइम्स

उसके जो इष्ट है वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है ये आप मानते हो ठीक hmm. है विच इज फाइन राइट बट दैट डजेंट मीन कि जो दूसरे हैं वो आपसे कम है hmm. और यही समन्वय स्थापित भीष्म भी कर रहे हैं और हमको और जगहों पे भी मिलता है जैसे पद्म पुराण वगैरह जिसमें कहा जाता है शिवाय विष्णु रूपाय hmm. शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णुवे की मतलब शिव और विष्णु शिव ही विष्णु रूप में है और विष्णु ही शिव रूप में है और जो इनको अलग मानते हैं वो गलत है ये वही कह रहे हैं कि वो शिव विष्णु रूप में है विष्णु ही शिव रूप में है और इसको जो समझ गया वो सही में ज्ञानी है ठीक है तो ये जो समन्वय स्थापित वो कर रहे हैं कि भाई एट द एंड ऑफ द डे तो हम ब्रह्म की बात करते हैं का मैनिफेस्टेशन अलग अलग देवों के रूप में भी होता है फिर आप किसी मैनिफेस्टेशन को विष्णु कहो, किसी मैनिफेस्टेशन को शिव कहो किसी मैनिफेस्टेशन को ब्रह्मा कहो पर इनके बिना भी ये भी तो एक दूसरे पे दे आर सिम्बायोटिकली कनेक्टेड ना इंटरडिपेंडेंस इन सबके बीच है तो आप एक को दूसरे से बड़ा या दूसरे को एक से बड़ा कैसे कह सकते हो वो उन सारे मैनिफेस्टेशन का अपना अपना रोल रहा है केवल आपका संप्रदाय अगर आप स्पेसिफिक संप्रदाय को फॉलो करते हो तो रिचुअल के हिसाब से आप जो मानो आपको जो इंडिविजुअल कनेक्शन जिस शक्ति के रूप में मैनिफेस्टेशन को लगता है उसे आप मानो right. पर ये ट्रिवियल पेटी सा जो, जो लड़ाई है उसमें तो आप मत पढ़ो hmm. और यही बात वो जो कह रहे हैं भीष्म भी कह रहे हैं कि भाई शिव को समझने के लिए भी कृष्ण को समझना होगा है ना और कृष्ण को समझने के लिए भी शिव को समझना होगा hmm. तो ये ये कनेक्शन उनका है

उसमें मृत्यु की बात आती है पर okay. अगर इसमें डायरेक्टली ना हो पर हमारे ग्रंथों में तो मृत्यु की बात आती आती है ना okay. जैसे वो आ, जो कठोपनिषद है कठोपनिषद राइट मृत्यु के साथ का संवाद है जो जो छोटा बच्चा है नची के right. उसके द्वारा हाँ. है महाभारत में वो जो स, आ, सत्यवान और आ, क्या उनका नाम है I, I know story, right? हाँ, वो क्या है नॉट नॉट सत्यवती Uh, सत्यवान और सावित्री हाँ, उनकी जो कथा है उसमें भी यमराज के साथ सावित्री का, सावित्री का सावित्री जो uh, conversation है।, conversation है वो उस रूप से आता है पर भय मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है ना तो इस विषय में एक कॉन्वर्सेशन आता है विदुर नीति के आसपास ओके नॉट अकॉर्डिंग नॉट टू दू क्योंकि मृत्यु को इट इज अ क्या कहते हैं कि इट्स अ ट्रूथ ऑफ लाइफ इस प्रकार इसे माना है Right. ठीक है और क्षत्रियो के लिए तो वैसे भी कहा जाता है ना कि अगर आप युद्ध करते हुए युद्ध करते हुए अगर आप वीर गति प्राप्त करते हो तो आपको एनी वे anyway, स्वर्गमा का अनुभव तो होगा ही होगा भले hmm. आप कैसे भी हो आप पीछा हट करके नहीं गए ना आपने पराक्रम दिखाते हुए युद्ध किया तो वो बात तो है ही और ये बात एक्चुअली एक जो प्रसंग आता है जब युद्ध होने होने वाला है तब कृष्ण जो है जब वो संधि के लिए दूध बन के गए तब वो कुंती जी से भी मिलते हैं कुंती कुंती से मिलते हैं और वो कुंती से कहते हैं कि आपका युद्धिष्ठर के लिए कोई मैसेज है क्या तो वो मैंने पहली पुस्तक में कवर किया है वॉरियर तो हाँ। मदर में और वो एक प्रसंग सुनाती है विदुला नामक एक स्त्री है जिनका पुत्र है संजय और संजय जो है वो किसी से युद्ध हार के आ गया है एंड लॉस्ट होप उसने आशा ही छोड़ दिया जीत की और वो ऐसे यू नो पड़ा हुआ है और उसको Uh, उत्साह बढ़ाने के लिए विदुला उनसे बात करती है कि मतलब इससे ऐसा जीवन जीने से अच्छा तो आप पराक्रम युक्त मृत्यु hmm. को uh, प्राप्त हो तो मृत्यु समथिंग पीपल वर एटलीस्ट इन महाभारत स्पेशली बिकॉज एक क्षत्रियो को फोकस में रखे है ना कि क्षत्रियो को युद्ध करना है तो मरना ही है देर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम इट सो मृत्यु इज समथिंग दैट यू एक्सेप्टेड व्हाट काइंड ऑफ मृत्यु डर के नहीं पर पराक्रम से राइट बट इन टर्म्स ऑफ मतलब सनातन धर्म के टर्म्स में डेथ uh, की जो फिलोसफी है वो क्या है एग्जैक्टली exactly? डेथ की फिलोसफी ये है कि डेथ और आप गीता देखो तो वो क्या कहते हैं कि जो जन्मता है उसकी मृत्यु तो होनी है इनफैक्ट hmm. आप जो मृत्यु का कॉन्वर्सेशन पूछ रहे हैं आई थिंक आई आई हैव टू मेंशन दिस राइट भगवत गीता में डर क्या है अर्जुन को कि मेरे कुटुंब वाले मर जाएंगे hmm. है ना उसको युद्ध से डर नहीं है पर यह है कि वो मर जाएंगे तो क्या और कृष्ण उसमें जन्म तो होती होती है. रहे है। रहे है। होता है तो ये तो चलते रहता है दिस इज अस इट इज नॉट अ वन टाइम थिंग एक बार जन्मा एक बार मर गए ऐसा नहीं है वो ये भी कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कभी नहीं था या तुम कभी नहीं थे या ये लोग कभी नहीं थे है ना पहले भी आए आप हम सब थे आज भी हम सब हैं आगे भी हम सब होंगे क्योंकि ये आना जाना आना जाना आना जाना ये तो चलते रहता है यू मैनिफेस्ट यू डाई देन यू गो इनविजिबल देन यू कम बैक तो हमारे में संसार चक्र कहते हैं इसलिए इट इज नॉट लीनियर इट इज सर्कुलर करेक्ट दिस इज द फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड डेथ जैसे लाइफ इज द ट्रूथ डेथ इज द ट्रूथ एंड देन वंस अगेन लाइफ इज द ट्रूथ तो

जन्म भी है तो जैसा जन्म है मृत्यु वही है क्योंकि right. मृत्यु होगी तो ही वापस जन्म होगा जस्ट गोज ऑन इनफैक्ट आपके बुक से मुझे पता चला जब वो आ... तो हाँ, इज़ हाँ, हाँ, हाँ. आपके, हाँ. आपके हो या में, आप वहाँ <laughs> <चार पे रहोगे>. <laughs> <laughs> तो बेसिकली अभी हम दुर्योधन के बारे में बात करें तो शायद वो वहां पे पछता रहा होगा ओके इंटरेस्टिंग मैम एक और चीज जो आपकी बुक से मुझे पता चला दिस वॉज अगेन Uh, भगवत गीता का है जिसमें श्री कृष्ण पांच uh, hmm. वो चीजें बता रहे फाइव फैक्टर्स ऑफ सक्सेस ये क्या है एग्जैक्टली exactly? बिकॉज इसके पहले मैंने कभी नहीं पढ़ा था इसके बारे में तो गीता में तो है, तो गीता गीता में में ये है कृष्ण कहते हैं कर्मंड अधिकार है ना वो सेकेंड अध्याय में कह रहे हैं कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है फल पर अधिकार नहीं है लोग कई बार कहते हैं कि फल की कामना मत करो नहीं, नहीं वो कह रहे हैं फल पर अधिकार नहीं है कर्म पर अधिकार है ऐसा क्यों कि यू हैव अधिकार ओवर यू कैन डिसाइड योर कर्म यू कैन नॉट डिसाइड योर फल दैट hmm. hmm. उसका एक्सप्लेनेशन अठारहवें अध्याय में कृष्ण देते हैं कि कोई भी कार्य की सिद्धि और असिद्धि सक्सेस और फेलियर पांच वस्तुओं पे डिपेंड करती है ठीक है वो पांच वस्तुएं क्या है अधिष्ठान कर्ता कर्म पृथक विधा चेष्टा और पंचम की मैं बात करती हूँ फिफ्थ कौन सा है कर्ता द डूअर है ना जो कार्य करने वाला है या वाली है अगर उसी में सामर्थ्य ना हो या वो सही से ना करे तो तो सिद्धि या सिद्धि की बात ही नहीं है इट इज गोइंग टू फेल राइट देर इज नो सक्सेस देर अगर आप रिसोर्सेज या इंस्ट्रूमेंट्स सही ना उपयोग करो hmm. तो भी आपको जो कार्य जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा यू आर डूइंग अ पॉडकास्ट हियर राइट इफ यू यूज वेरी लो क्वालिटी माइक विल द वीडियो टर्न आउट एज यू वांटेड टू बी प्रॉपर्ट नहीं राइट द सेम थिंग सिमिलरली अगर

ये आपके पॉडकास्ट के इंस्ट्रूमेंट सारे ठीक है ये करण हो गए करता करण पृथक चेष्टा आपका पॉडकास्ट जब रिलीज होगा तब तो वो एक सर्टन प्रोसेस में होगा ना ये तो आपने रिकॉर्डिंग करी दैट इज वन स्टेप एक्चुअली उसके पहले आपने प्लानिंग करी, करी फिर रिकॉर्डिंग करी फिर इसके बाद एडिटिंग होगा एडिटिंग के बाद और भी कुछ होगा फिर इसका आप इंटरनेट पर डालोगे अब अगर आप इसको सही से एडिट किए बिना डाल दो इफ यू डोंट फॉलो द प्रोसेस अगेन द आउटकम विल नॉट बी एज एक्सपेक्टेड टू बी सराउंडिंग कंडीशन और काइंड ऑफ स्टूडियो यू हैव चोजन अगर बाहर बहुत आवाज आता hmm. तो अगेन द पॉडकास्ट वुड है पिकअप किया है कौन सी एरिया चूज किया है और बहुत कुछ इंक्लूड लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज अधिष्ठान राइट ये सब करने के बाद भी मुझको एक्चुअली पिछले बार का प्रसंग याद है तुमने ये सब कर लिया था एंड मेरे पहले जिनका आप रिकॉर्डिंग hmm. कर रहे थे समथिंग वेंट टेक्नोलॉजी जो आपके सबके हाथों के, के बाहर था राइट इफ द इक्विपमेंट फेल्स तो आप क्या करो यू कुड अ बैकअप और मच यू कैन डू राइट तो कृष्ण कहते हैं पंचमिति दैवम ये जो फिफ्थ है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं है hmm.

तो पांचवा एस्पेक्ट तो आता ही कहा वहां है? तक बात ही नहीं पहुंचती तक तो बात ही नहीं पहुंचती डेस्टिनी तो तभी काम आती है ना जब पुरुषार्थ हो चुका हो hmm. जब पुरुषार्थ ही ना हो तो डेस्टिनी क्या पर पुरुषार्थ हो तो डेस्टिनी का फैक्टर तो है ही है है right. ना विच यू कैन नॉट कंट्रोल नाउ यू कॉल इट रिस्क कॉल इट प्रोबेबिलिटी वट एंड दैट इज वाई ऑल सेड डन द आउटकम इज नॉट इन योर हैंड्स और वहां पे देन यू से भगवान मैंने अपना कार्य कर लिया टू द बेस्ट ऑफ फाइबिलिटीज बिकॉज ये चार मेरे कंट्रोल में है इसके बाद अब तुम जानो hmm. कृष्णा अर्पण श्री कृष्णा अर्पणम उस भाव से क्या काम कर सकते हो Right. That is somewhere the gist of Gita. So famous saying अधिकार नहीं है आपका। Right and ये अगर आपने पहले जो पांच चीजें उसको कर लिया तो anyway, you don't have to figure out कि आपको फल क्या मिलेगा बिल्कुल अच्छा ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपने efforts जाले।, जाले है और मोस्टली तो अच्छा मिला रहा क्योंकि ये नहीं करोगे तो फल अच्छा मिलेगा ही नहीं हाँ. ठीक है ये अच्छा करने के बाद भी पॉसिबल है कि फल अच्छा ना मिले दैट वुड ओनली मीन इज समथिंग एल्स फॉर यू राइट ऐसा कुछ हो सकता hmm. है यू यू डोंट नो वेयर योर डेस्टिनी इज लीडिंग है ना right. कई बार ये होता है कि सम अदर डोर इज गोइंग टू ओपन फॉर यू इसीलिए ये बंद हो रहा है विच यू डोंट नो राइट दैट इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ ओके यू नेवर नो इसीलिए ऑल यू कैन डू इज योर एक्शन एंड हाउ शुड एक्शन बी योग कौशल बेस्ट ऑफ यबिलिटीज पुट योर हार्ट इन टू इट पुट योर बेस्ट फूड फॉरवर्ड जो सबसे अच्छा कर सको उतना अच्छा करो फिर भगवान पे छोड़ दो करेक्ट और फिर जो भी उसका रिजल्ट आता है स्वीकार करो आगे बढ़ते रहो बट इफ आई वॉन्ट टू बिकम बेटर विदुर नीति में इसके बारे में भी बात होती है एंड ये कृष्ण भगवान वाले uh, उसमें कि, उन्होंने क्या ये भी बताया किस तरह से आई लेट गो ऑफ देखो विदुर जो कह रहे हैं वो ना इट्स नॉट एज इफ हमेशा ही एक ऐसा हो हमेशा ही हुँ. वैसा हो यू हैव टू सी इट इन स्पेसिफिक एक्शन ठीक हुँ. है कोई परिस्थिति में कोई एकदम मूड जैसा बिहेव okay, पॉसिबल है वैसा ना हो बट वीजन वो ऐसे बिहेव कर रहा पर उस समय तो उसका एक्शन वैसा ही है तो ऐसा नहीं है कि जो मूड है वो कभी पंडित हो ही नहीं सकता right. अगर वो उन चीजों को करेक्ट कर दे अपने एटीट्यूड को करेक्ट करे कंडक्ट करे तो पंडित भी बन सकता है ठीक है

योग की प्रैक्टिस से करो बेसिकली मन की बात है ना लेट गो मतलब क्या हम कहा दो, oh, मन है ना तो कैसे होगा मन को ही कंट्रोल करके होगा मन को कैसे कंट्रोल करो उसके बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स है पर फिर भी उसमें अर्जुन पूछते हैं अर्जुन कहते हैं कि आप कह रहे हो कि योगस्थ बनो मन को कंट्रोल करो सब बैलेंस में करो अप्रोप्रिएट करो बहुत अच्छा मन को कंट्रोल करो बोलना बहुत अच्छा है बट ही इस चंचल ही मन कृष्णा प्रमाथ hmm. बलवद्रडम ये जो मन है ना बहुत चंचल है कभी ये चाहता है कभी वो चाहता है कभी अभी कुछ चाहता है फिर वापस मेरे सामने कुछ आ जाए तो वापस विचलित हो जाता है तो इसको कंट्रोल करना जो आप कह रहे हो ना वो वो सुलभ नहीं है इट इज लाइक हवा को हम पकड़ते हैं वैसी बात Aha. है मन को कंट्रोल करना right. तो राइट तो कृष्ण कहते हैं नो डाउट असंशयम महाबाहो तुम सही कह रहे हो मन ऐसा ही है वो मंकी माइंड जिसे हम कहते हैं वैसा ही है हो सकता है इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू कंट्रोल इट बट देर इज नो शॉर्टकट अभ्यास वैराग्य अभ्यास प्रैक्टिस प्रैक्टिस यू विल फेल बट प्रैक्टिस 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 ओके डोंट लूज हार्ट की प्रैक्टिस इवेंचुअली होगा देर इज नो अदर वे इवेंचुअली तो वैसे ही करना पड़ेगा राइट right. <laughs>

<laughs> बत्ती बत्ती चालू हो जाती yep. तो है तो आविदुर कहते हैं कठोरिषद में भी आता है कि हमारा जो शरीर है ना वो ही रथ है ठीक है और हमारी जो इंद्रिया है वो अश्व है वो घोड़े हैं hmm. इंद्रिया मतलब क्या कि हमारी जो जीभ आंख कान जिससे हम सेंस सेंस हमारे सेंसरी ऑर्गन hmm. जिससे वी मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड ठीक है और डिजायर्स भी उन्हीं के कारण आते हैं तो वो कहते हैं ये जो इंद्रिया है वो अश्व है ये शरीर ही रथ है अभी अगर इन आ, आ, जो अश्व है उन पर लगाम से कंट्रोल करते हैं अगर लगाम एकदम लूज हो ठीक है तो क्या होगा कोई घोड़ा कहीं जाना चाहेगा कोई घोड़ा कहीं जाना चाहेगा अर्थ क्या कि मेरे लिए अच्छा हो या बुरा हो दैट डजेंट मैटर पर मेरे सामने सिगरेट है तो मुझे फूकने का मन कर रहा है कोई मेरे लिए कितना ही बुरा हो घड़ी घड़ी टीवी देखना है एग्जाम चल रही है बट मुझे आंखों को देखना है तो आई एल कीप डूइंग दैट राइट तो वो अश्व जो है वो सारी इंद्रियाएँ हैं जो अगर लगाम से कस कर ना पकड़ रखो तो कहीं पर भी जाएंगी तो ये लगाम क्या है मन है hmm. Because mind which controls them, है बिकॉज इट्स योर माइंड ना पर वो लगाम को कौन कंट्रोल करता है अगर लगाम लूज है बेसिकली माइंड पे कंट्रोल नहीं है तो कोई कहीं पर भी जाएगा hmm. तो वो लगाम को कंट्रोल करती है बुद्धि अगर आप में विजडम है तो आप समझ के आपकी बुद्धि को कंट्रोल करोगे और आत्मा इज द रथिंग आत्मा जो है वो फाइनली इज द वन एक्सपीरियंसिंग ऑल ऑफ दिस राइट तो जो रथ में बैठा है वो आत्मा है और ये जो बुद्धि है बुद्धि तो मिति वो कहते हैं कि जो सारथी है वो बुद्धि है जो इस मन नामक लगाम को पकड़ के रखे हैं जिससे आप इस इंद्रियों को सही दिशा में ले जाओ hmm. ताकि ये रथ नामक जो शरीर है वो उसका उद्देश्य हासिल कर सके दिस इज द चारियनोलॉजी और अगर वही जो कृष्ण वाला ये है तो कृष्ण इज दैट बुद्धि क्या आपकी hmm. बुद्धि कृष्णमय हो सकती है जिससे आप अपने अश्वों को सही दिशा में ले जा सको और लगाम को पकड़ के रख सको

आपके लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा एंड देन देयर इज गॉड वो गॉड ने आपके लिए एक डेस्टिनी प्लान की है वो कहा भी रहता है ना कि आपके लाइफ में जो लिखा है आपके लिए वो तो होके रहेगा तो एस्ट्रोलॉजी एंड इसका क्या वो है तो उन्होंने बोला कि श्री कृष्ण का आपने नाम ले लिया तो एस्ट्रोलॉजी गई वो डायरेक्टली <laughs> इरेज हो जाती है आई वांट तो टू आस्क यू महाभारत में एस्ट्रोलॉजी का कहीं पे यूज होता है डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजी का यूज नहीं है परंतु आप रामायण और महाभारत दोनों में देखोगे कि नक्षत्रों को देखा जाता है कि जैसे श्री राम का जब राज्याभिषेक होना है तो वो देखते हैं कि अच्छा आज पुष्य नक्षत्र है, है तो ये पुष्य नक्षत्र में कर दो या अभी ये फलाना नक्षत्र है तो आज हमें चलना शुरू कर देना चाहिए कल वो नक्षत्र बदल जाएगा तो उसमें नहीं okay. तो वो नक्षत्र की बात है इज बेसिकली मुहूर्त जिससे आता है ना तो कहीं ना कहीं वो लिंक है एस्ट्रोलॉजी का डायरेक्टली ऐसा नहीं कहा गया है कि अच्छा ये एस्ट्रोलॉजी को देख के ऐसा कुछ ऐसा नहीं है आ, पर ये नक्षत्रों के की पोजिशनिंग की तो बहुत बात है और उन नक्षत्रों के पोजिशनिंग से निमित्त देखे जाते थे और किस समय क्या करना चाहिए वो 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 भी भी देखा जाता ये okay. ये बात है वो, because, वो रिटर्न है एंड बिकॉज रिटर्न इसलिए आज हम ये भी गेस कर सकते हैं कि महाभारत या रामायण की जो डेटिंग है वो बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल वो हाँ तो जो एस्ट्रोनॉमिकल पोजिशनिंग नक्षत्रों की स्टार्स की बताई है उसका उपयोग करते हैं लोग ना उसमें भी उसमें भी एक बड़ी रेंज हमें मिली है बिकॉज कैसा है ना कि यू कांट प्लॉट एवरी ऑब्जर्वेशन तो विच वन यू टेक विच कीप आउट उसके अनुसार वो डेट अलग इसमें बड़ा हाँ रेंज तो मिलती है फॉर श्योर करेक्ट ओके मैम आई डोंट नो कि मैं इसके बाद में आपसे क्या सवाल पूछूँ बिकॉज दिस हैज़ बीन सो ब्रिलियंट प्रोबेबली इस लिस्ट में आई हैव मेरी मोर क्वेश्चन बट क्योंकि हमारे पास ऑडियंस के भी कुछ क्वेश्चन हैं तो आई गो बैक टू दोज क्वेश्चन एंड इस लिस्ट के लिए हम फिर से एक बार अलग पॉडकास्ट करेंगे बिकॉज जो जोग्रफ़ी वाला एक सेगमेंट आई थिंक सो वो तो एक कंप्लीटली अलग पॉडकास्ट डिजर्व करता है एंड हम प्लान करेंगे वो बट लेट्स टेक द ऑडियंस क्वेश्चन तो मैम एक्चुअली uh, काफी सारे क्वेश्चन आए मैं ट्राई करूंगा कि इसमें से कुछ जो अच्छे वाले सबसे वो पूछू दिस इज uh, एक वेरी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था क्योंकि फिक्शन बुक एक आई थी आई डोंट वॉन्ट टू टेक द ऑथर्स नेम और उसमें राजा दशरथ को लेके थोड़ी मतलब उन्हें नेगेटिव लेंस में बताया था एंड हमने जो बचपन से जाना है राजा दशरथ को बहुत काइंड मैन एंड उस एंगल से देखा है तो ये कल्याण एट कल, द रेट कल्याणी आर्काइव्स का आपके लिए क्वेश्चन है व्हाट कैन शी टेल अबाउट द कैरेक्टर ऑफ राजा दशरथ तो राजा दशरथ जो है उनको एक बहुत अच्छा राजा तो माना ही जाता है ठीक है परंतु जैसे उनकी उम्र बड़ी हुई है और स्पेशली के साथ जो उनका विवाह हो गया है तो वो राजा तो बहुत अच्छे थे पर कहीं ना कहीं कैके में बहुत आसक्त थे हुँ. ये बात भी आती है टू द एक्सटेंट वो इतने ज्यादा आसक्त थे कैके में कि उनकी जो बाकी पत्नियां हैं उनको वो इग्नोर भी उन्होंने करा है okay. और ये रामायण में ही ये बात आती है ठीक है कि कौशल्या का एक जब श्रीराम को जब कहा जाता है कि आप वन में जा जाओ और श्रीराम राम ये बात जब कौशल्या से कहने आते हैं तो कौशल्या जो है ना वो कहती हैं कि मुझे लगा था अब मेरा पुत्र बड़ा हो गया है तो कब मुझे कहीं खुशी मिलेगी सुख मिलेगा क्योंकि अब तक मेरे पति से तो मुझे सुखी नहीं मिला रेट. जो उनकी छोटी पत्नी है कहके उनकी दासियों से भी बुरा व्यवहार मेरे साथ उनकी दासियां करती है लाइक कह कहके की दासी और कोई कुछ कहता नहीं है तो कहीं ना कहीं उनकी और पत्नियों को इग्नोर्ड फील तो हुआ ही है उनकी कैकई कह में आसक्ति के कारण और ये बात आगे चल के भी लक्ष्मण भी कहते हैं कि जो पिताजी कर रहे हैं आपको वनवास भेज के वो तो अन्याय है और वो क्यों कह रहे हैं जस्ट क्योंकि उनकी पत्नी के वश में आ गए right. तो, तो ये जो फ्लॉ है कि अत्यंत काम आसक्ति उन्होंने अपना राज्य का शासन भी किया था टिल दिस एपिसोड ऑफ श्रीराम को कैकी के कहने पर जो भेज देना hmm. पड़े उसके अलावा एज अ राजा वो बहुत अच्छे थे okay. as a सेकेंड uh, क्वेश्चन ये एट द रेट कृष्णा यर बहुत ही बहुत वियर नहीं है बट uh, सीता वॉज अबडक्टेड बाई रावण हेंस अग्नि परीक्षा वाई डेंट सुग्रीव वाइफ गिव अग्नि परीक्षा सुग्रीव वाइफ गिव अग्नि परीक्षा उन्होंने आई थिंक सो so, वो कन्फ्यूज हो गए जो uh, वाली और उसका वो जो था उसमें वहाँ पे क्यों नहीं उनकी वाइफ ने अग्नि परीक्षा दी पर क्यों अग्नि परीक्षा देती थी, तो वहां वहां थी नाग्री हाँ। तो, तो ना। तो ना, तो मालूम था ना कि फोर्सफुली सुग्रीव ने उनको कैप्चर वाली ने कैप्चर कर लिया था इसलिए वाली को दंड मिला उस बात तो सबके सामने ये बात थी उस केस में अग्नि परीक्षा की जरूरत नहीं है इस केस में अग्नि परीक्षा की यार इसमें तो प्रॉब्लम hmm. yeah. yeah. hmm. है और कहते हैं कि सीता में तो कोई पाप है ही नहीं hmm. तो श्रीराम कहते हैं मुझे मालूम है नहीं है सीता में कोई पाप प्रत्यार्थन तुमका तो नाम क्योंकि उनको फिर फॉर द प्रूफ ऑफ द पीपल वो कह रहे हैं मैंने उनको अग्नि परीक्षा देने से रोका नहीं ये hmm. वो कह रहे हैं इसलिए नहीं क्योंकि मुझे उनके व्यक्तित्व पर शंका है नहीं इसलिए नहीं वो कहते हैं सीता को तो मुझसे कोई अलग ही नहीं कर सकता जैसे सूर्य को सूर्य से उसकी प्रभा को ये hmm. को से कोई अलग नहीं कर सकता ऐसे सीता को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता पर लोग प्रश्न उठाएंगे कहा वापस जब वो अयोध्या जाएंगे तब क्योंकि hmm. उनको तो नहीं मालूम ना यहाँ हुआ क्या है राइट right. राइट right. सीता जी उनके सामने थोड़ी है जो रोमा है सुग्रीव की वाइफ वो तो वही किशकिधा में सबके सामने एवरीबडी नोज इज हैपनिंग टू हर हाउ फोर्सफुली शी बीन कैप्चर्ड

और रामायण अंड्रावट इसका मेन सोर्स गीता प्रेस का जो महाभारत है वो मैंने लिया है और गीता प्रेस का रामायण है वो मैंने लिया है साथ साथ महाभारत में जो भंडारकर ओरिएंटल का क्रिटिकल एडिशन है उसको मैंने रेफर किया है के एम गांगुली वर्जन जो है वो भी मैंने रेफर किया है महाभारत के लिए रामायण के लिए जो ऑनलाइन जो है कि वो जो वाल्मीकि रामायण डॉट नेट करके एक ऑनलाइन पोर्टल है उसको भी मैंने रेफर किया है जो सदर्न रिसेंशन पर थोड़ा सा बेस्ड है

जो सबसे पहले तो शिवधनुष जो उन्होंने उठाया शिवधनुष जो उठाया हमको कहा जाता है कि पांच हजार नवयुवक उसको ऐसे खींचा रहे थे okay. से और उन्होंने ऐसे लीलाया सह मस्ती हुँ. मस्ती में उठा लिया हुँ. वो शिवधनुष तो कहीं ना कहीं दिस वाज नॉट एन ऑर्डिनरी right. पराक्रम राइट right? उसके बाद जब वो युद्ध कर रहे हैं युद्ध में जो उनका पराक्रम है अकल्पनीय जब वो जनस्थान में है जब चौदह हजार राक्षस सेना को वो अकेले हाथों तो मारते हैं hmm. तो वो पराक्रम तो है ही ना इट माइट नॉट बी मिथ माई मिस्टिकल इन दैट सेंस राइट पर डेफिनेटली एन एलिमेंट ऑफ ओके सुपर ह्यूमन केपेबिलिटी सामर्थ्य स्पेशली इन युद्ध ओके

आप हो है ना और आपको आपका फिजिकल uh, जो जी, जीवन इतना फिजिकल स्ट्रेंथ uh, लगने वाला है, है ना बहुत ही रिगरेस uh, स्ट्रेनियस जीवन आप जीते हो सब कुछ तो आप फिजिकली स्वयं से करते हो तो यू नीड दैट रजस रजस तमस गुण एज वेल तो शिकार इसीलिए करते थे एक तो कि आप रिसोर्सेज इकट्ठा करो मास के लिए करते थे साथ ही आपको रेगुलरली युद्ध के लिए तैयार रहना होता था सो इट वाज आल्सो वन ऑफ दोस थिंग्स कि आपका यू बी रेडी यू शुड बी रेडी टू सी ब्लड आप खून देख के गागा पापा हो जाओ hmm. ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने चाहिए yeah. तो वो माइंडसेट डेवलप करने के लिए भी होना चाहिए पर अगेन एज आई सेड ऑल इन मॉडरेशन ये भी उसमें कहा है अदरवाइज इट विल आल्सो लीड टू योर डाउनफॉल तो इट इज डेफिनेटली कंसीडर्ड अ वाइज टू बी केयरफुल ऑफ एंड आपकी बुक में जो आपने वो को धर्म की बातें सिखा रहा तो इट वाज टोटली ओके जब आप मीट खाते हो ठीक hmm. है जब समाज में मीट खाया जाता है तो जो मीट बेचता है वो कैसे बुरा हो सकता है यार hmm. वो तो सप्लाई चेन का भाग है ना राइट oh, right. या तो आप कहो कि मीट खाओ कोई ना खाए hmm. तो फिर आप कह सकते हो या, yeah, या। yeah. पर अदरवाइज इट्स लाइक तो अ फूड चेन ओके okay. अगर आप खाते हो क्या मीट को सात्विक कहा गया है नहीं hmm. पर क्या समाज में लोग खाते थे हाँ डेफिनेटली खाते थे और अगर लोग खाते हैं मीट तो कोई बेचेगा नहीं तो कहा से आएगा राइट

वो खाते थे इसलिए आज खाओ या hmm. वो नहीं खाते थे इसलिए आज ना खाओ ये भी गलत है करेक्ट आज आपको खाना है या नहीं खाना है वो आपके परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए वातावरण के अनुसार होना चाहिए hmm. वो अपने समय अनुसार क्या की पद्धति से जीते थे दैट्स इट दिस इज दिस इज नॉट समथिंग वी नीड टू फाइट ओवर उनके hmm. गुणों से सीखो उनके जीवन से सीखो वो कैसे निर्णय लेते हैं उससे सीखो यार ये सब True. में कहां उलझ के रह गए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फेवरेट क्वेश्चन क्योंकि uh, इन भाई साहब ने कोई फिल्टर ही नहीं रखा है अपने क्वेश्चनिंग में इन्होंने सीधा पूछा है दिस इज एट द रेट सनी जीरो सेवन फाइव फाइव वन सेवन फोर एंड सेड वाई आर इंडियन यूथ इज गेटिंग सो डम अबाउट देयर ओन कल्चर वेल आई थिंक हुआ क्या है कि, um, आई थिंक यूथ अक्रॉस इज गेटिंग डंबर थैंक्स टू सोशल मीडिया टू सम एक्सटेंट आई थिंक पर ऐसा नहीं था कि उसके पहले भी बहुत स्मार्ट थे है ना आई थिंक वो समय 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 का है टेक्नोलॉजी का फायदा भी उतना होता है टेक्नोलॉजी के कारण अच्छा भी उतना ही हो रहा है वी आर एबल टू कनेक्ट इतने लोगों के आप और मैं यहाँ बैठे हैं और कल्चर की बात कर रहे हैं ना जो इतने सारे लाखों लोग आपके तो फॉलोअर्स हैं वो देखेंगे तो वो फायदा भी है पर उसका नुकसान भी है अति right. सर्वत्र वर्जय कहा जाता है hmm. तो जब आप उसी में पड़े हो केवल एंटरटेनमेंट में पड़े हो केवल सेंशुअल ग्रेटिफिकेशन में पड़े हो शॉर्ट टाइम खुशी में पड़े हो प्लेजर्स में पड़े हो hmm. तो वो डम्पनेस भी आता ही जाएगा टूल no hmm. तो ये ये सारी चीजें टूल्स हैं इस टूल्स का आप कैसे उपयोग करते हो दैट विल डिटर्माइन वेदर यू आर स्मार्ट अबाउट इट और यूर डम्प अबाउट इट बट यू ऑलवेज दिस काइंड ऑफ पीपल ये आज की बात <laughs> ओके एट द रेट श्रुति अंडरस्कोर मेन ने पूछा है वेयर कैन वी लर्न संस्कृत इन ऑर्डर टू रीड द स्क्रिप्चर्स बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल तो ऑनलाइन भी ऑप्शन yeah. अवेलेबल है मैंने पर्सनली जो मुझे अच्छा लगा मेरा काम चलाऊ है hmm. संस्कृत का नॉलेज ठीक है काम चलाऊ इन द सेंस अगर मैं मैं कन्वर्सेशन समझ सारे सकती हूं hmm. पूरा बोल नहीं पाती डायरेक्टली उसमें अडखड़ा जाती हूं श्लोक मैं एकदम से समझ सकती हूँ ऐसा नहीं है अनुवाद के साथ समझ सकती हूँ पर अगर अनुवाद में कहीं ना कहीं कुछ कुछ इश्यू है तो वो मैं पकड़ सकती हूँ मुझे समझ आ जाता है आई गेट ओवरऑल भाव ऑफ द श्लोक तो बट आई के नॉट ब्रेक इट डाउन टू ग्रामर ठीक है तो पर मुझे मेरे काम के लिए इतना संस्कृत काफी था वो मैंने संस्कृत भारती का जो चार लेवल के कोर्सेज है पत्राचार द्वारा संस्कृत उसके द्वारा किया परंतु बहुत सारे ऑप्शंस है मद्रास संस्कृत कॉलेज है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है व्योम संस्कृत पाठशाला है इन सब के ऑनलाइन भी कोर्सेज है ऑफलाइन भी कोर्सेज है यू जस्ट हैव टू लुक लुक आपके आसपास भी कुछ ना कुछ होगा ओके एट द रेट डीएम पाटिल किसी पर्सन को गुरु बनाना है तो कैसे बनाएं बिकॉज़ ह्यूमंस में तो इतने सारे किसी ना किसी में कुछ कोइच ना कुछ तो बुरा होता ही है तो गुरु कैसे बनाए किसी को आपको क्यों किसी को गुरु बनाना है आप तो सबसे पहले अपने आप पर विश्वास रखिए भगवान पर विश्वास रखिए आपको जब आवश्यकता होगी और आप तैयार होगे तो अगर गुरु की आवश्यकता है तो वो स्वयं से आ जाएंगे आई थिंक सम टाइम्स फर्स्ट टू मच अबाउट दिस और हमारे पर ध्यान देने के बजाय हम दूसरों को देखने लगते हैं कि वो मेरा गुरु बन सकता है क्या वो मेरा गुरु बन सकता है क्या right. नहीं ना दैट इज अ वेस्ट ऑफ योर एनर्जी फोकस फोकस श्रद्धा इन भगवान आपको जब आवश्यकता होगी तब सही गाइडेंस मिल जाएगा अगर सबसे पहले आप अपने पर काम कर रहे हो है ना नहीं तो, तो आप दूसरों के दोष देखने में ही रह जाओगे ऑल यू नीड इज द राइट गाइडेंस एट द राइट पॉइंट इन टाइम पर वो गाइडेंस मिलने के लिए आपको अर्जुन जैसा बनना पड़ेगा अपन जो स्वयं कर रहे हो उसमें बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू ठीक है एंड हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी कि मुझे नहीं मालूम है आई सी गाइडेंस हे भगवान जब तुमको सही लगे मुझे गाइड करो और मेरा मार्गदर्शन करो और ऐसे निमित्त तो उत्पन्न करो जिनके द्वारा मुझे मार्गदर्शन मिले आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे द गुरु विल कम व्हेन ही हैज टू व्हेन ही और शी हैज टू ओके

उनके प्रति और इंद्रप्रस्थ के प्रति उन्होंने अपने सारे कर्तव्य बहुत ही अच्छे से निभाए हैं और जहां पर भी उनको लगा कि उनके पति को उन्होंने अपना कोई विचार प्रकट करना चाहिए तो वो भी उन्होंने हमेशा किया है वुड यू कॉल इट डोमिनेटिंग आई थिंक सो ठीक है वेरी नाइस स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अ वेरी ग्रेसियसिंग एंड स्पीक फॉर द गुड अंडरस्टैंडिंग उनको समझ शास्त्र की धर्म की अच्छी समझ hmm. है और प्रज्ञा है जिसके कारण वो बोल पाती थी right. hmm. okay. uh, हिं, द्रौपदी माँ को लेकर इतना हेट है तो वो डू एवर राइट अबाउट आप महाभारत अंद्रावल देखिए मैंने एक पूरा सा बड़ा सा चैप्टर द्रौपदी पर लिखा है hmm. और उसका नाम मैंने लिखा है द मैरिज दैट टाइड Hmm. एक मैरिज जिन्होंने सबको एकत्रित किया पांडवों को वो पांडवों की शक्ति थी जिनके लिए यहाँ तक कहा है अर्जुन ने कि कृष्ण कृष्णा द्रौपदी और हम पांच पांडव हम अलग अलग शरीर में एक ही आत्मा है ऐसी है द्रौपदी right. है ना तो उनके लिए इतना जो हेट है वो इसलिए है क्योंकि एक तो वो अंधे का पुत्र अंधे की बात आ जाती hmm. है कुछ कुछ उनके साथ वो कहानियां जोड़ दी गई है बट दर नॉट राइट महाभारत पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू सी द्रौपदी फॉर वॉज यूट इट एंड फॉर दैट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन स्कोर ड्रीम अंडर स्कोर अचीव अंडर स्कोर एस एन एस ने पूछा है प्लीज टेल एस अबाउट द वेडिंग ऑफ पांडवाज एंड द्रौपदी

विवेक देवराज जी का वर्जन है विवेक hmm. जी का वर्जन क्या अनुवाद है हाँ. तीन वॉल्यूम्स में विच इज ग्रेट पर उसके अलावा वाल्मीकि रामायण डॉट नेट ऑनलाइन भी उपलब्ध है आई आई कानपुर की साइट है उस पर भी वाल्मीकि रामायण hmm. अवेलेबल है श्लोक और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ ओके okay. ये थोड़ा सा ब्रॉड क्वेश्चन हो सकता है तो इसका आप छोटे इसमें आंसर दे सकते हो एट द रेट चिन्मय अंडर्स को थ्री ने पूछा है आप नॉट सो रिनोन कैरेक्टर्स के बारे में बता सकते हो जैसे कि सत्यकी, की शालिया भागदत्त इन सबका जितना मेंशन है उसका जो उतना मैंने उनको दिया हुआ है स्पेस ठीक है जितना उसमें है पर और आपको पढ़ना है तो महाभारत में तो आप पढ़ ही सकते हो बहुत सारे कैरेक्टर एट uh, द रेट अक्षत भट्टी फाइव ड्रीमद भागवतम शो द रियल पिक्चर ऑफ श्री कृष्ण श्री कृष्ण का जो मुख्य ग्रंथ है वो तो श्रीमद भागवत है, hmm. है ना जिसमें उनके जीवन के बारे में अधिक hmm. आता है महाभारत में भी आता है महाभारत का जो लास्ट का है जो हरिवंश पर्व है उसमें भी आता है okay. तो दैट एंड श्रीमद भागवत बट इन दैट जो रोल श्री कृष्ण का है वो थोड़ा सा अलग है

बट बिफोर यू आंसर एक वृंदावन के uh, गोस्वामी जी है पुंद्रिक गोस्वामी जी उनसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कहा था कि वृंदावन uh, वनाली ऐसा कुछ तो उन्होंने कहा था उसमें दिया है कि दे हैव मैरिड एंड उन्होंने ये भी कहा था कि राधा एंड कृष्णा आर सेम टेक्निकली आत्मा इज सेम या वो एक उन्होंने एंगल से बताया था तो हाउ कैन दे मैरी नाउ यू आंसर मैम जो बात कर रही हूँ केवल इतिहास के परस्पेक्टिव से कर रही हूँ ठीक है दिस इज वन ऑफ दोनु हनुमान जी के पास गदा नहीं है महाभारत में वेल uh, महा well भागवतम में राधा नामक कोई कैरेक्टर नहीं है ठीक है भा, भागवत में एक गोपी का तो प्रसंग है कि गोपियां के साथ वो जो रासलीला वो सब है पर ऐसे कोई स्पेशल राधा का कैरेक्टर जिनको छोड़ के कृष्ण चले गए ऐसा सब नहीं है सीरियसली ये बातें जो है वो मैंने सुना है कि कहीं कुछ ब्रह्मांड पुराण में कहीं है और उसके बाद जो गीत गोविंद बहुत प्रचलित हुई और जो बंगाल से जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो हुआ उसके बाद से ये कथा बहुत अधिक प्रचलित हुई है राधा और कृष्ण के प्रेम की कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे तंत्र में हम शिव शक्ति को देखते हैं है ना उस प्रकार से कृष्ण राधा वो शिव शक्ति के रूप में वो तांत्रिक उनका डिस्क्रिप्शन है कि एक्सेस कृष्णा यू नीड अ फेमिनाइन शक्ति विच इज okay. राधा ठीक है ये कुछ कुछ लोग उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं पर जैसे मैंने कहा इसमें वो नहीं है तो अभी क्यों उन्होंने विवाह नहीं किया तो मैं महाभारत और भागवत के बेसिस पे तो इसका उत्तर नहीं दे सकती उसका मतलब क्या राधा नहीं थी क्योंकि आज तो राधा राधे राधे हम कहते हैं उनका उपासना में बहुत बड़ा रोल है है ना तो वो तो है जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि उपासना पद्धतियां है ना वो तो इवॉल्व होती है और हमें उपासना पद्धति को इतिहास के साथ कॉन्वोल्यूट भी ये कॉन्फ्लेट भी नहीं करना चाहिए ठीक है क्यों पर... क्योंकि वो श्रद्धा की बात है ऑब्वियसली इतना प्रचलित है श्री राधा का संप्रदाय भी है कुछ कुछ लोग तो केवल श्री राधा की को ये भी करते हैं और उनको उनसे शक्ति भी मिलती है hmm. तो ठीक yeah. है सो आई एम नॉट बी देर इज स्पिरिचुअल एक्सिस्टेंस मे बी देर इज स्पिरिचुअल राधा कृष्ण राइट किसी को तो उसका भास हुआ है किसी ने उसके बारे में लिखा है और क्योंकि ये अधिक लोगों को हुआ होगा तो वो संप्रदाय भी हुआ है परंतु क्या महाभारत रामायण में इसका स्पष्ट उल्लेख है नहीं है hmm. इसलिए क्या इसका उत्तर कि उनका विवाह क्यों नहीं हुआ हुआ ये सब मुझे लगता है ये पढ़ना ही नहीं चाहिए इसमें बिकॉज दिस इज अ स्पिरिचुअल क्वेश्चन राइट नॉट अ भौतिक दिस इज एट आधि दैविक आध्यात्मिक लेवल जो श्री र, जो राधा कृष्ण की बात है ना वो आध्यात्मिक और आधि भौतिक लेवल आधि दैविक लेवल पे है hmm. इसको भौतिक स्तर पे देखने की आवश्यकता नहीं है yeah. भौतिक स्तर पे तो उनकी जो पत्नियां है वही है, जो जिनका और hmm. और में क्या है उतना कहा है आई एम नॉट डिनाइंग एनी बड़ी कहा क्या उल्लेख है क्या नहीं है मैं उतना कह रही हूँ और ये जो प्रश्न है ना उन्होंने क्यों छोड़ दिया वगैरह मैं ये कह रही हूँ आप श्री राम राधा कृष्ण को आप भौतिक लेवल पर मत देखिए hmm. राधा कृष्ण को आप आध्यात्मिक लेवल पर देखिए तो इट बी मच इजीियर टू मेक सेंस ऑफ दैट पुरुष प्रकृति द शिव right. शक्ति के तौर पे आप जब वो फेमिनिन मैस्कुलिन का ये देखोगे ना उस तरीके से उस प्रेम को उस यूनियन को देखोगे तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से उसमें ज्यादा आध्यात्मिक प्रभाव भी होगा ओके मैम ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ आई जस्ट से द क्वेश्चन

उस लेवल का सच्ची में वो भगवत कनेक्शन है ठीक है किसी किसी को लगता है कि है बट एक्चुअली नहीं होता है ना अब किसको कैसे कहो आल्सो क्या कृष्ण कनेक्शन हो तो क्या हम और पति नहीं रह सकते नहीं ऑफ कोर्स वो तो आपका आध्यात्मिक कनेक्शन है उसमें आधी भौतिक तो आपका जीवन चल सकता है ना उसके साथ भी क्या वो आध्यात्मिक कनेक्शन मेंटेन कर सकते हो yeah. है ना तो वो आप किस लेवल पे हो आपकी संस्कार क्या है वो तो उस पर डिपेंड करता है hmm. तो आई थिंक आपके गुरु आपका संप्रदाय इज अ बेटर प्लेस टू आस्क दिस क्वेश्चन रादर देन ऑनलाइन टू पर्सन यू डोंट नो आई थिंक बिकॉज आई कैन मैं कुछ भी कहूं इट कुड लीड टू गाइडिंग टू मिस गाइडिंग इसलिए आई डोंट वॉन्ट टू गैट इन टू दैट ओके सो आई हैव आस्ट ऑल योर क्वेश्चंस इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे जिसका आइर हमने कॉन्वर्जेशन में ऑलरेडी बात कर ली थी या मैम ने किसी और पॉडकास्ट पे बात की है तो वो रिपेटेटिव हो जाता सो आई हैव नॉट आस्ट दोस बट जितने थे उतने मैंने पूछ लिया मैम मैम थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट करने के लिए अगर आपको मैम की बुक्स खरीदनी है यू गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज़ बाय द बुक्स क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत कम लोग लिखते हैं और इतने क्लैरिटी के साथ में विच इज़ अ बिग थिंग सो थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दीज बुक्स मैम एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट बहुत बहुत आभार ऑलवेज टू टॉक टू यू थैंक यू मैम जय श्री राम जय श्री राम मैम